वेरी लास्ट चैप्टर ऑफ आर बुक दैर इज टाइटल्ड एज द बेगर रिटर्न बाय एंटोन चेक ऑफ तो एंटोन चेक ऑफ जो है बहुत ही फेमस प्ले राइट है बहुत से प्लेज लिखते हैं ये और इनकी बहुत डिफरेंट सारी स्टोरीज भी हैं विच आर वेरी फेमस अब ये जो चैप्टर है एज द द टाइटल सेज बेगर बेगर कौन होते हैं जो बैग करते हैं अपनी डेली नीड्स के लिए भीख मांगते हैं इफ यू यू हैव सीन देयर आर आर मेनी पीपल नो हु सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द टेंपल या फिर किसी बिल्डिंग के बाहर खड़े रहते हैं और वो लोग जो हैं बैग करते हैं एलम्स मांगते हैं अपनी डेली नीड्स के लिए खाने के लिए या फिर यू नो नॉर्मली कहीं पर रह रहे हैं तो वहां के खर्चे के लिए तो उन्हें कहते हैं बेगर अब क्योंकि ये पूरा चैप्टर जो है वो बात ही करता है एक बेगर के बारे में तो इसीलिए ये टाइटल जो है बहुत अप्रोप्रिएट है धीरे धीरे जैसे जैसे हम स्टोरी में आगे बढ़ेंगे डेफिनेटली बी एबल टू अंडरस्टैंड द द द फैक्ट दैट दिस चैप्टर इज टाइटल्ड एज बेगर बाय ऑथर क्लियर अब इस पूरे चैप्टर में आपको ये पता चलने वाला है कि सपोज अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसको हेल्प की जरूरत है या कोई नीडी है जिसे किसी काम की जरूरत है आगे बढ़ने के लिए एंड ऑल और अगर आप किसी की हेल्प कर सकते हो अगर आप काइंडनेस दिखा सकते हो आप एक हाथ बढ़ा सकते हो आगे फॉर दी हेल्प देन डेफिनेटली वो एक चीज़ जो है वो किसी की लाइफ बहुत बड़े लेवल पे चेंज कर सकती है बट इसमें एक और चीज़ है कि अगर आप उस सामने वाले को जताओगे कि मेरी वजह से सब कुछ हो रहा है मैंने तुम्हें काम दिया मेरी वजह से तुम ये सब बने हो तो वो जो पर्सन है वो उस वजह से चेंज हुआ हो जरूरी नहीं है पर्सन किस चीज से चेंज होता है अगर आप वो काइंडनेस जो है बिना बोले दिखाओ बिना जताए दिखाओ कि आई डिड इट देन दैट पर्सन इज एबल टू अंडरस्टैंड दैट पर्सन कैन फील दैट काइंडनेस दैट हेल्पिंग हैंड दैट यू हैव लेंड टू दैट पर्सन और फिर कोई भी इंसान जो है वो चेंज हो सकता है नंबर टू जो हम इस चैप्टर से सीखते हैं वो ये भी है कि अगर आप जो है थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं अगर आप फिजिकली यू नो प्रॉपर हैं आप कहीं पे काम कर सकते हो वो कोई भी काम हो तो बैगिंग करना इज नॉट दी सोल्यूशन सिर्फ बैग करके एम्स मांग कर इससे अगर आप चाहते हो कि भाई बैठे बैठे मुझे पैसे मिल जाए मैं ये करूं तो वो सही नहीं है इनफैक्ट यू शुड ट्राई कि आप कोई ना कोई काम करो वो कोई भी काम हो जैसे इस चैप्टर में भी हम देखेंगे छोटे छोटे काम से ये बैग जो है धीरे धीरे काम करने लगता है फिर वो पैसे कमाता है और उसकी बात ही अलग है इफ यू डू सम वर्क

दो ये कैरेक्टर्स जो हैं दे आर द मेल कैरेक्टर्स और जो फीमेल कैरेक्टर वो कौन है वो कुक है क्लियर तो यहाँ पे हम इन तीनों कैरेक्टर्स की बात करेंगे धीरे धीरे देखेंगे कि कैसे हम ये पूरे चैप्टर में बेगर के बारे में बात करने वाले हैं कैसे बेगर एज अ पर्सन चेंज होता है एंड फाइनली एट द एंड हम जो है तीन चार मैसेजेस जो है वो डिस्कस करेंगे क्लियर सो ओवरऑल दिस चैप्टर इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी इट इज गोइंग टू गिव यू अ वेरी बिग मैसेज टू एंड ऑल्सो वी लाइक इट क्लियर तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अबाउट ऑथर दैट इज एंटोन चेक ऑफ

So, ये पूरा चैप्टर जो है वो इन्हीं के थ्रू लिखा हुआ है इट्स अ शॉर्ट स्टोरी इट्स एन इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड व्हाट एक्जैक्टली आर वी गोइंग टू रीड द बेगर इज द स्टोरी ऑफ चेंज ऑफ अ बेगर इनटू अ गुड पर्सन कैसे ये बेगर जिसमें बहुत बुरी आदतें हैं झूठ बोलना ड्रिंक्स इससे कैसे वो एक नॉर्मल इंसान में चेंज होता है एक अच्छे इंसान में चेंज होता है वो एक अच्छी जॉब करने लगता है ड्रिंकिंग छोड़ देता है ये सब चेंजेस कैसे होते हैं किसकी वजह से होते हैं वो सब हम देखने वाले हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में तो ऑलरेडी हमने ये टाइटल को अप्रोप्रिएट प्रूफ कर दिया है कि क्यों हम इस टाइटल के साथ जानते हैं कि हाँ दिस इज द राइट टाइटल बिकॉज पूरी स्टोरी जो है वो रिवॉल्व ही किसके अराउंड कर रही है एक बेगर के अराउंड और टाइटल अप्रोप्रिएटनेस जो है वो हम इसी तरीके से प्रूफ करते हैं इधर पूरी स्टोरी रिवॉल्व करें या फिर थीम या मैसेज उस चीज का रिवॉल्व कर रहा हो टाइटल कह रहा हूँ या फिर टाइटल एक कैरेक्टर की बात कर रहा हो तो यहाँ पे पूरे कैरेक्टर की बात यानी पूरी स्टोरी जो है वो इसी कैरेक्टर के ऊपर है यानी बेगर के ऊपर इसीलिए ये चैप्टर का जो टाइटल है इट्स हंड्रेड परसेंट अप्रोप्रिएट क्लियर ऑल चलिए बिफोर वी बिगिन इन द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ हमें एक बिफोर यू रीड पार्ट दिया हुआ है लेट्स रीड इट what induced the beggar luskov तो इनका नाम क्या है बेगर का लुश्कोव ठीक है तो ये क्या हो गए हमारे वन कैरेक्टर इसके अलावा अभी हम दो कैरेक्टर्स और देखेंगे सो so what induced what forced what made the beggar luskov to change his ways जो तरीके थे लुश्कोव के लाइफ को जीने के बेक करके कमाना झूठ बोलना ड्रिंक करना ये सब चीजों से कैसे वो अपने आप में चेंजेस लाया कैसे वो एक नॉर्मल पर्सन एक अच्छा इंसान बन पाया दैट इज विल रीड एंड फाइंड आउट इन चैप्टर क्लियर तो ओवरऑल कैसे गुड पर्सन वही हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं क्लियर सो ओवरऑल आपको वही पता चलने वाला है सो लेट्स रीड द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ काइंड सर पिटी

तो यहाँ पे भी यही होता है बिगिनिंग किससे हो रही है कौन बात कर रहा है ये ये सब बातें कर रहे हैं द बेगर क्लियर तो बेगर ये सब बातें कर रहे हैं और ये क्या बोलते हैं कोई पर्सन आया वहां से कोई मेल इंसान है वो इज पासिंग थ्रू दैट रोड और वो उनको बोलते हैं काइंड सर हैव पिटी तो कृपया मुझ पे दया खाइए पिटी मींस दया करना टर्न योर अटेंशन टू पुअर और आप प्लीज अपना ध्यान जो है मेरी तरफ कीजिए

वो क्या बोलते हैं तीन दिनों से मेरे पास कुछ भी खाने को नहीं था तो मुझे पैसे चाहिए या कुछ दे दीजिए जिससे मैं अपना पेट भर lodging. Lodging मतलब होता है जहां हम रहते हैं उसे कहते हैं lodging तो ये बैगर जहां पे भी रह रहा है वहां पर पैसे देने के लिए इसके पास फाइव कोपैक्स भी नहीं है अब कोपैक्स क्या होता है रशियन कॉइन इक्वल टू वन हंड्रेड ऑफरूबल जैसे हम क्या बोलते हैं वन रूपीज इज़ इक्वल टू हंड्रेड पैसे राइट right? वैसे ही रशिया में कैसे दिया हुआ है यहां पर कि वन रूबल जो है

एंड देन आई लॉस्ट माई प्लेस थ्रू इंट्री क्या बोलते हैं फिर उससे मैंने अपनी जो जगह थी जो मैं, आ, टीचर था विलेज में वो मैंने जगह किसकी वजह से खोदी की इसका मतलब conspiracy. की जो षड्यंत्र रचा गया मेरे खिलाफ किसी ने प्लानिंग प्लॉटिंग की कॉन्स्पायर किया उस वजह से मैंने अपनी पोजिशन जो है वो खोदी आई फेल अ विक्टी कैल्यूमिनी मतलब द मेकिंग ऑफ फॉल्स एंड डिफोर्मेटरी स्टेटमेंट कि ते हुए ऐसे स्टेटमेंट अगर कोई बोलता है किसी के लिए ताकि उसकी रेप्यूटेशन खराब हो उसका नाम खराब हो उसे कहते हैं कैलियो क्लियर तो चैप्टर में आपको बहुत अच्छे अच्छे वर्ड सीखने को मिलेंगे That is one positive point of this chapter. तो वो बोलते हैं कि मैं आठ साल तक एक विलेज में स्कूल टीचर था बट बिकॉज ये जो कॉन्सपेसी मेरे लिए खिलाफ की गई गई कुछ लोगों ने मेरे बारे में झूठ स्टेटमेंट झूठे बोले और और मैं उसका विक्टिम बन गया अब एक साल हो गया है मेरे पास कुछ भी करने के लिए नहीं है कोई काम नहीं है इसीलिए मैं ऐसे बैगिंग कर रहा हूँ क्लियर तो वो क्या रीजन देते हैं इस मैन को कि मैं आठ साल तक स्कूल टीचर था कुछ हुआ ऐसा कॉन्सपेरे हुई मेरे खिलाफ मैं विक्टिम बन गया उस कॉन्स्पिरेसी का और फाइनली मेरे पास अब एक साल से ज्यादा हो गया मेरे पास कुछ भी काम करने को नहीं है क्लियर सो so, इस तरीके से वो प्रूव करते हैं कि वो क्यों बैगिंग कर रहे हैं द एडवोकेट सर गाय अब हम बात कर रहे हैं द सेकंड कैरेक्टर की पहला कौन है लुशकॉफ कौन है वो बैगर सेकेंड कैरेक्टर कौन है सरगाय जो कि हैं एक एडवोकेट क्लियर सो द एडवोकेट यानी वकील जो है लॉयर जो है सरगाय लुक्ड एट द रैग्ड फोन कलर्ड ओवर कोट ऑफ द सप्लाइंट सप्लाइंट मीन्स A person making a humble plea to someone in power or authority, यानी कोई जो है अगर किसी से एक humble request कर रहा है दया भावना की मां भीख मांग रहा है उसे कहते हैं suppliant, यानी यहां पे हम बात किसकी कर रहे हैं beggar की तो ये जो एडवोकेट हैं सरगा उन्होंने देखा किसको इस सप्लाइंट इस बैगर के रैग यानी फटा हुआ है बिल्कुल हर जगह से फोन कलर फोन का कलर का मतलब होता है ब्राउनिश कलर और क्या पहना है ओवरकोट ओवरकोट मतलब कोट क्या होता है नॉर्मली वेस्ट तक को ओवरकोट मतलब उससे बड़ा तो ये एडवोकेट उसके फटे से बिल्कुल रैग्ड ऐसे ओवरकोट को देखते हैं जो कि ब्राउनिश कलर का है

और ये एडवोकेट को लग रहा था कि शायद इन्होंने पहले इस पर्सन को इस बैगर को कहीं तो देखा है क्लियर तो सरगा एक एडवोकेट इनसे ही वो बैगर बात कर रहे थे बता रहे थे कि वो आठ साल तक स्कूल टीचर थे नॉल तो ये देखते हैं इस पर्सन को उसका फटा हुआ था ब्राउनिश कलर के ओवर कोट को देन उसकी आंखों में डल और ड्रमकन आइज है कि उसने अल्कोहल कंज्यूम किया है उसके दोनों चीज पे एक रेड स्पॉट है और उनको ये सब कुछ देख के ऐसा लग रहा था कि उन्होंने कभी तो इस पर्सन को पहले यानी इस बैगर को पहले कहीं पे तो देखा है क्लियर सो so हम देखते हैं कि क्या पता है इनको ऐसा लग रहा है ऐसा सच भी था कि नहीं लेट्स डिस्कस अबाउट इट I have now had an offer of a position in the province of Kaluga. The mendicant went on, but I have not the money to get there. Help me kindly. I am ashamed to ask, but I am obliged to by circumstances. तो फिर ये लाइन्स कौन बोलते हैं? ये लाइन्स अटर की गई हैं बेगर के थ्रू. तो बेगर जो हैं इस एडवोकेट को सरगाय को बताते हैं कि I have now had an offer. मुझे एक ऑफर मिला है. किसका? Of a position in the province of Kaluga. Province क्या होता है एक एक स्टेट स्टेट किसका कलूगा का कलूना नाम की कोई प्लेस है वहां पर स्टेट, एक एक है पर प्रोविंस में में रीजन इनको ऑफर मिला किसी काम का क्योंकि ये नहीं है और मुझे क्योंकि एक मिला है, बट वहां जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है इसीलिए वो पैसे मांग रहे हैं द का मतलब क्या होता है बैगर यहां पे किसकी बात हो रही है बैगर की बट आई हैव नॉट द मनी टू गेट दे बट मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं वहाँ तक ट्रैवल करके जा पाऊँ हेल्प मी काइंडली सो प्लीज काइंडली हेल्प मी मेरी जो है कृपया मदद कीजिए आई एम अशेम्ड टू आस्क आई फील अशेम्ड आई फील एम्बेज कि मैं यू you नो know, पैसे मांग रहा हूँ मुझे शर्म आ रही है पैसे मांगने में बट आई एम ऑब्लाइज टू वैस सरकम स्टांसेज पर जो मेरी सिचुएशन है जो सरकम स्टांसेज है वो मुझे कंपेल कर रहे हैं फोर्स कर रहे हैं ये भीक मांगने के लिए बैक करने के लिए क्लियर तो क्या रीजन देते हैं वो क्यों भीक मांग रहे हैं क्यों बैक कर रहे हैं क्योंकि उनको कलुगा नाम के एक प्रिंस एक सॉरी प्रोविंस से

एंड ही सडनली रिमेम्बर समथिंग और ऐसे ही शूज देखकर उनको याद आ जाता है कुछ तो वो जैसे ही उसके ओवर शूज देखते हैं जो ऊपर तक पहनते हैं वो उन्होंने एक शू ऊपर तक पहना था एक शू नीचे तक पहना था और ये चीज देखकर उनको याद आता है कुछ और वो बेगर से बोलते हैं लुक है तुम यहां देखो इट सीम्स टू मी आई मेट यू दिफोर यस्टरडे और मुझे ऐसा लग रहा है मैं तुमसे परसू मिला था डे बिफोर यस्टरडे कल के पहले तो मैं तुमसे परसों मिला था मैंने तुमको देखा था कहाँ पर सदोव स्ट्रीट में तो एक नाम है किसी स्ट्रीट का

ये जो बेगर हैं जैसे ही उनसे पूछते हैं ना ये सरगा जो एडवोकेट हैं कि क्या तुमको याद है तुमने मुझे ऐसा ऐसा बोला था जब हम परसों मिले थे तो वो बोलते हैं नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता मम्बल्ड मम्बल्ड मतलब बहुत मरमर करना यानी धीरे से बोलना खुशफुसा के बोलना तो वो धीरे से बोलते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है एंड ही टेकन अबैक अबैक टेपर बाक का मतलब होता है सरप्राइज शॉक ही शॉर्ट कि अरे इसको तो पता है मतलब ये झूठ बोलते होंगे ये बैगर ऐसे पैसे कमाने के लिए तो उसको समझ आ गया अरे इस पर्सन को तो ऑलरेडी पता है मैं ऐसा बोल चुका हूँ A village school teacher. मैं एक विज स्कूल टीचर ही हूँ और अगर आपको एडवोकेट तो बोलते हैं बोल तुमने, तुमने ये बोला था कि तुम एक स्टूडेंट हो तुमने मुझे रीजन भी बताया था कि क्यों तुमको एक्सपेल कर दिया गया था क्यों रेस्टिकेट कर दिया गया था और तुम्हें क्या याद नहीं है तो सरगाए जो है जब ये चीजें सुनते हैं कि बेगर बोल रहे नो आईव नॉट सेन इवन प्रूव यू ही मुझे बताया था दैट यूर स्टूडेंट एंड वाई यूर एक्सपेल्ड वाई यू आर एस्टिकेटेड फ्रॉम द स्कूल और क्या तुमको याद नहीं है तो तुम ऑलरेडी ये चीज मुझे बोल चुके हो

था डिसअप्रूवल एक का एक्सप्रेशन था दिस इज my dear सर ही क्राइड angrily. दिस इज स्विंडलिंग आई shall सेंड द पुलिस फॉर यू Damn यू तो बेगर क्या बोलते हैं दिस इज I he सर आई ही ये झूठ है ये सब गलत है जिस तरीके से वो वापस जा रहे थे उनके चेहरे पे एक डिसअप्रूवल का एक्सप्रेशन था तो ये सुनकर ये देखकर बेगर जो है बोलते हैं कि ये गलत चीज है ये डिसऑनेस्टी ये झूठ है और वो जो है ये गुस्से से बोलता है बेगर किसको सरगाय को तो सरगाय बोलते हैं दिस इज स्विंडलिंग स्विंडलिंग मीन्स चीटिंग ऑ पर्सन ऑफ मनी कि तुम पैसों के लिए चीट कर रहे हो झूठ बोल रहे हो और क्योंकि तुम पैसों के लिए ऐसे दो तीन झूठ बोल चुके हो आई सेंड द पुलिस फॉर यू है ये एडवोकेट तो पुलिस के बारे में ही बोलेंगे कि कि मैं पुलिस को भेजूंगा डैम यू यानी इतने गुस्से में है ये कि इस पर्सन को बैगर को बोलते हैं कि मैं तुम्हारे लिए अभी पुलिस को भेजता हूं क्योंकि तुम पैसों के लिए चीटिंग कर रहे हो तुम झूठ बोल रहे हो क्लियर ऑल राइट सर ही सेज हैंड ऑन हिस्स हार्ट द फैक्ट इज आई वॉज लाइंग I am neither a student nor a school teacher. All that was fiction. Formerly, I sang in Russian choir and was sent away for drunkenness. But what else can I do? I can't get along without lying. No one will give me anything when I tell the truth. What can I do? तो अब beggar जो है वो prove करते हैं, सब बातें बताते हैं, जैसे वो बोलते हैं ना मैं police को भेजूँगा क्योंकि तुम पैसों के लिए cheating कर रहे हो, you are swindling. तो ये बेगर बोलते हैं कि सर ही सेड लेंग इज हेर ऑन इज हार्ट तो वो अपने हार्ट पे हाथ रखते हैं और फिर वो ये चीजें बोलते हैं द फैक्ट इज आई वॉज लाइंग बिल्कुल फैक्ट सही है यही बात है कि मैं झूठ बोल रहा था क्लियर तो वो बोल देते हैं स्वगी, से सरगाय से कि यस yes, मैं आपसे झूठ बोल रहा था आई एम नीदर अ स्टूडेंट नॉर अ स्कूल टीचर ना ही मैं कोई स्टूडेंट था ना ही मैं कोई स्कूल टीचर था ऑल दैट वॉज फिक्शन फिक्शन मीन्स इमेजिनेशन फॉल्सहुड वो सारी चीजें जो है वो झूठ थी मैं एक इमेजिनेटरी स्टोरी सुना रहा था आपको इट वॉज नथिंग ट्रू इन दैट फॉर्मरली आई सैंग इन द रशियन कॉय तो मैं जो हूं पहले गाना गाता था एक रशियन कोयर में कोयर का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिंगर्स जो ग्रुप के नाम होते हैं ना वन वर्ड फॉर द ग्रुप्स तो सिंगर्स का जो ग्रुप होता है उसको कोयर कहते हैं तो वो बोलते हैं मैं एक रशियन कोयर में पहले गाना गाता था एंड वाज सेंट अवे फॉर ड्रंकनेस बट क्योंकि मैं बहुत ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करता था आई यूज्ड टू ड्रिंक अ इसीलिए मुझे वहां से निकाल दिया गया था बट वॉट एल्स आई कैन डू वो बोलते हैं बट मैं क्या कर सकता हूँ इसके अलावा मेरे पास और कोई तरीका भी नहीं है और कुछ नहीं कर सकता आई कॉन्ट गेट अलोंग विदाउट लाइन क्योंकि मैं बिना झूठ बोले जो है ये सब चीजें नहीं कर सकता पैसे नहीं कमा सकता क्यों क्योंकि नो वन विल बिलीव मी और गिव मी एनी थिंग वेन आई टेल द ट्रूथ क्योंकि मैं जब सच बताऊंगा भीख मांगते हुए कि आई वॉज अ पर्सन हु वॉज सिंगिंग इन अ कॉय फिर मैं मुझे ड्रेंकरनेस की वजह से बहुत एल्कोहल पीने की वजह से निकाल दिया गया तो ये बातें सुन के कोई भी मुझे पैसे नहीं देगा तो मैं क्या कर सकता हूँ इसीलिए मैं झूठ बोलता हूं पैसे कमाने के लिए क्लियर ऑल राइट कैन यू डू यू आस्क कैन यू डू आन सर वर्क दैट्स वॉट यू कैन डू यू मस्ट वर्क वर्क यस आई नो दैट माई सेल्फ बट वेयर कैन आई फाइंड वर्क तो सरगाय बोलते हैं वॉट कैन यू डू तुम ये पूछ रहे हो कि तुम क्या कर सकते हो मतलब वो दो बार बोलते हैं इस चीज को कि तुम कैसे पूछ सकते हो कि तुम क्या कर सकते हो क्योंकि तुमको भी पता होना चाहिए कि तुम्हारे पास एक चीज है जो तुम कर सकते हो क्राइट सर डू यू मस्ट वर्क क्योंकि तुम जो हो एक चीज कर सकते हो कि काम करो मेहनत करो और तुम्हें काम करना ही चाहिए तो तुम कैसे पूछ सकते हो कि मैं क्या करूं मैं झूठ बोल रहा हूं क्योंकि मुझे भीख चाहिए इसीलिए मैं झूठ बोलता हूं उसके अलावा मैं क्या कर सकता हूं बट तुम्हारे पास एक तरीका है तुम काम कर सकते हो तो बेगर बोलते हैं हाँ काम वर्क यस आई नो कि मैं काम कर सकता हूं बट मुझे काम कहां मिलेगा कोई मुझे काम क्यों देगा हाउ वुड यू लाइक टू चॉप वुड फॉर मी फिर सरगाए जो है वो खुद ही काम दे देते हैं किसको इस बेगर को और वो उसको बोलते हैं कि क्यों ना तुम मेरे लिए लकड़ियां काटो चॉप करो वुड अब क्या होता है ना बहुत से लोगों के यहाँ पर जैसे वुड जो ट्रीज होती है उस लॉग्स जो वुड को कट करते हैं पीसेस में फिर फर्नीचर वगैरह के लिए या फिर किसी और चीज के लिए यूज करते हैं तो वो बोलते हैं कि क्यों ना तुम मेरे लिए लकड़ी काटो वाई डोंट यू चॉप वुड फॉर मी आई वुड नॉट रिफ्यूज टू डू दैट बट इन दीज डेज इवन स्किल्ड वुड कटर्स फाइंड देम सेल्व सिटिंग विदाउट ब्रेड तो वो बोलते हैं कि मैं इस काम के लिए भी मना नहीं करूंगा आई वुड नॉट रिफ्यूज कि मुझे काम नहीं करना बट मैं जानता हूं कि जो स्किल्ड वुर्स होते हैं जो कि बिल्कुल प्रॉपर टैलेंटेड जिनको बहुत टाइम से वुड कट करना आता है वो भी आजकल बिना ब्रेड के बैठे हैं यानी कि वो भी पैसे नहीं कमा पा रहे हैं तो मैं क्या करूंगा ये कर कर मुझे भी पैसे थोड़ी ना मिलेंगे यानी मैं भी कितना भी जो स्किल्ड वुड कटर्स है वहीं जब बैठे हुए हैं विदाउट मनी तो फिर मैं क्या करूंगा विदाउट ब्रेड यानी कि पैसे नहीं है उनके पास नॉर्मल बेसिक Needs के लिए तो फिर मैं जब अगर वुड कट करूंगा तो उसमें मेरा क्या चेंज होगा या फिर क्या फायदा होने वाला है यू कम एंड हो गया तो डायरेक्टली सरगा यही पूछते हैं कि क्या तुम मेरे पास मेरे साथ चलकर मेरे यहाँ पर लकड़ी काटने का, का काम करोगे या नहीं तो वो डायरेक्टली गुस्से में पूछते हैं ये सर आई विल तो बेगर बोलते हैं डेफिनेटली हाँ मैं करूंगा आई वुड कम टू योर प्लेस एंड आई वुड फॉर यू वेरी वेल सून फाइंड आउट हिज हैंड्स तो वो बोलते हैं बहुत अच्छे बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि क्या तुम काम करोगे या नहीं तुमने बोल तो दिया बहुत जल्दी समझ आ जा जाएगा कि बहुत जल्दी -जल्दी चलने लगे, रश में जल्दी जल्दी स्पीड में चलने लगे अलॉन्ग रबिंग अपने हाथ रब करते हुए जा रहे हैं कि अब पता चलेगा कि भाई तुम काम कर सकते हो या नहीं कॉन कुक आउट ऑफ द किचन और अब ये पहुंच गए अपने घर पे और ये अपने कुक को किचन से बाहर

तो वो कुक को बुलाते हैं बोलते हैं ओल्गा कम है। जेंटलमैन इन टू द वुड शेड और इस जेंटलमैन यानी बेगर को कहा लेकर जाओ वुड शेड में यानी जहां पर ये वुड कट करके लॉग्स ऑफ वुड जो है वो रखते हैं एंड लेट हिम चॉप वुड और इसको जो है चॉप करने दो वुड को यानी लकड़ियां काटने दो

और क्योंकि ये बेगर का जो अपियरेंस है जो गेटअप है वो स्केरक्रो जैसा मिल रहा था इसीलिए बोला है द स्केरक्रो ऑफ अ बेगर एंड ही श्रकड हिज शोल्डर्स अपने शोल्डर्स को मूव किया श्रग किया कैसे एज इफ इन पॉप्लेक्सिटी यानी ये समझ आ रहा था कि ही वॉज पर्प्लेक्सड ही वॉज कन्फ्यूज पॉप्लेक्सिटी मीन्स स्टेट ऑफ बींगजल्ड पजल्ड बिविल्डरमेंट कन्फ्यूज कह सकते हो एंड वेंट इेजोल्यूटली और जो है कुक के पीछे पीछे कैसे गए इेजोल्यूटली यानी अनु यानी sure. शंका में थे वो कि उनको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए तो वो हंड्रेड परसेंट श्योर नहीं थे कि वो ये काम करना चाहते हैं कि नहीं पर ये कुक के पीछे जो हैं जाते है, जहां पे लेके जाती अब वो so, क्या होता है वुड या फिर कुछ और देखने को मिलेगा इट वॉज ऑब्वियस फ्रॉम हिज गेट दैट ही टू चॉप वर्क बट सिंपली फ्रॉम प्राइड एंड शेम एंडी एंड डिड नॉट फील द स्लाइटेस्ट इनक्लिनेशन फॉर टॉय तो यहाँ पर यह पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है किसके लिए बेगर के लिए बैगर जो है जिस तरीके से वॉक कर रहा था गेट मीन्स वॉक करना तो जो वॉकिंग पैटर्न था जिस तरीके से वो चल के जा रहा था कुक के पीछे उस वॉकिंग से बिल्कुल ऑब्वियस था हंड्रेड परसेंट हम बोल सकते हैं ही हैड नॉट कंसेंटेड कि उन्होंने जो हामी भरी है जो कन्विंस हुए हैं वो जो हाँ बोला है वो इसीलिए नहीं बोला है टू गो एंड चॉप वुड इसीलिए नहीं उनने बोला हाँ यू नो लकड़ी काटने के लिए क्योंकि वो हंगरी थे या काम चाहिए था दोनों ही रीजन नहीं है कि उसको भूख लगी थी या उसको काम चाहिए था इस वजह से उसने हाँ बोला है बल्कि क्यों हाँ बोला था बट सिंपली फ्रॉम प्राइड एंड शेम क्योंकि एक तो उसने ऐसे वर्ड्स बोल दिए कि मैं काम ढूंढ रहा हूं मैं काम नहीं कर सकता है थे ना अपने शब्दों में उन्होंने झूठ बोला अब ये ने पकड़ लिया तो इसीलिए बातों में ही वो ट्रैप हो गए थे फंस गए थे इस चक्कर में वो जो है हाँ बोल देते हैं ठीक हाँ, है मैं काम करूंगा इट वॉज ऑब्वियस टू दैट इज स्ट्रेंथ हैड बीन अंडरमाइंड अंडरमाइंड का मतलब होता है वीकन

तो ये बोलते हैं कि मैं एक स्कूल टीचर था आठ साल पहले बट बिकॉज ऑफ सम कॉन्स्पिरसी जो उनके खिलाफ रची गई थी उसके वो विक्टिम बन गए एंड ही वॉज देन रिमूव्ड फ्रॉम दैट स्कूल और ये सुनकर ये जो एडवोकेट हैं वो ये कोशिश कर रहे थे सोचने की कि शायद इन्होंने इस बैगर को कहीं देखा है और जैसे ही वो उसके ओवरकोट को देखते हैं उनको लगता है हाँ शायद देखा है बट जैसे ही उसके ओवर शूज देखते हैं उन्हें समझ आ जाता है कि इसको तो मैंने एक स्ट्रीट पे देखा था परसों डे बिफोर येस्ट और तब इस बेगर ने यह बोला था कि वो एक स्कूल में पढ़ते थे ही वॉज अ स्टूडेंट सॉरी नॉट इन स्कूल लाइक ही वॉज अ स्टूडेंट स्कूल कॉलेज कुछ बताया नहीं है एंड ही वॉज एक्सपेल्ड उन्हें रेस्टिकेट कर दिया गया था निकाल दिया गया था And because of that, वो कर और क्योंकिट किया था क्यों एक्सपेल किया था वो भी उन्होंने बताया था तो ये एडवोकेट कि तुम झूठ बोल रहे हो पहले तुमने बोला तुम एक स्टूडेंट है अब तुम बोल रहे हो तुम एक स्कूल टीचर हो तो बैगर बोलता नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ इफ यू वॉन्ट आई कैन प्रूव यू मैं तुम्हें पेपर दिखा सकता हूँ कि मैं एक स्कूल टीचर था तो यहाँ पे जो लॉयर है जो एडवोकेट है वो बहुत गुस्से में आ जाते हैं कैसे कोई झूठ बोल रहा है एंड ही सेज टू द बेगर की आई वुड सेंड ए पुलिस क्योंकि तुम क्या कर रहे हो यू आर स्विंगलिंग दैट इज यू आर चीटिंग फॉर मनी अब ये सुन के बैगर बोलते हैं कि सॉरी सर

टू आस्क फॉर द मनी तो यहां पर वो बोलते हैं कि मैं क्या कर सकता हूं इसके अलावा सो द एडवोकेट इज लाइक वाई यू आर आस्किंग यू वॉट कैन यू डू यू कैन वर्क सो so, बेगर बोलते हैं आई नो आई कैन वर्क बट मुझे काम कौन देगा या मेरे पास क्या काम है जो मैं कर सकता हूं तो एडवोकेट बोलते हैं वुड यू लाइक टू चॉप वुड एट माई प्लेस तो वो बोलते हैं डेफिनेटली आई एल डू इट बट जो वुड कटर्स होते हैं जो स्किल्ड वुड कटर्स होते हैं उनको भी पैसे नहीं मिलते वो भी ऐसे आइडियल बैठे हुए हैं तो मैं क्या कर लूंगा तो एडवोकेट बोलते हैं कि तुम करोगे कि नहीं करोगे काम मेरे लिए बस तुम मुझे ये बता दो तो वो बोलते हैं ठीक है आई वुड डू इट फिर वो अपने घर लेकर जाते हैं किसको इस बेगर को दैट इज लुशकॉफ को और सरगा अपने कुक को बुलाते हैं जो कि है ओल्गा और उन्हें बोलते हैं कि इस जेंटलमैन को अपने वुड शेड पे लेके जाओ और उसको वुड कट करने का काम दो

वड़ो चले जाते हैं किसके पीछे ओल्गा के पीछे अब हमें यहां से स्टोरी स्टार्ट करनी है कि क्या होता है एग्जैक्टली वुड शेड में डज ही कट द वुड इज ही एबल टू डू इट या फिर वो मना कर देंगे या कुछ अच्छा काम करेंगे या कोई और काम लेके देंगे एडवोकेट वी डोंट नो सो एवरीथिंग वी विल गेट टू नो नाउ इन दिस पार्ट ऑफ द स्टोरी क्लियर तो चलिए बिगिन करते हैं विद द सेकंड हाफ ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर दैट इज द बेगर सरगाए हरीड इन टू द डाइनिंग रूम अब सरगाए जो है ओल्गा को बोल देते हैं कि लुश्कॉफ को लेके जाओ कहाँ वुड शेड में ठीक है अभी उनको पता नहीं इनका नाम लुशक है बट वी नो इट तो वो जो है बैगर को बोलते हैं कि गो एंड कट द वुड इन दी वुड और वहां पर उनको भेज दिया उन्होंने और खुद क्या करते हैं बहुत जल्दी जल्दी डाइनिंग रूम में जाते हैं यानी जहां पर ये खाना खाते हैं वुड शेड एंड एवरी थिंग दैट व यार्ड और यहाँ से ये जो जहाँ पे भी डाइनिंग रूम था वहाँ ये जो विंडोज है अगर ओपन की जाए तो वहाँ से कोई भी देख सकता है कि वुड शेड में क्या हो रहा है एंड ऑल्सो वट एवर वॉज है यार्ड इन द गार्डन एरिया

ऑलगा ग्लैड रैथफुली ऑलगा क्या है कुक ग्लैड यानी देखना रैथफुली का मतलब होता है इन्फ्यूरिएटेड विद हेथरेड शी डि नॉट लाइक दिस पर्सन तो वो बहुत गुस्से से हेटरेड के साथ किसको देखती है अपने कंपेनियन को अपने साथीदार को जो की कौन है द

next he saw the pseudo teacher seat himself on a log and become lost in thought with his red cheeks resting on his fist अब नेक्स्ट क्या देखते हैं सरगाय विंडो से कि ये जो स्यूडो टीचर है स्यूडो का मतलब क्या होता है स्यूडो मींस फॉल्स यानी नकली क्योंकि बेगर ने क्या बोला था मैं एक विलेज में स्कूल टीचर था बल्कि वो थे नहीं राइट तो उन्होंने झूठ बोला था तो इसलिए ऐसा बोला है कि झूठा टीचर स्यूडो टीचर सीट हिमसेल्फ ऑन अ लॉग एंड बिकम लॉस्ट और कैसे बैठे हुए हैं वो लॉग ऑफ वुड पे बैठे हुए हैं एक और उसपे बैठे ऐसे हैं जैसे वो किसी सोच में घूमे हुए हैं सोच रहे हैं कुछ ही इज लॉस्ट इन रेड चीक्स रेस्टिंग ऑन हिज फिस्ट फिस्ट क्या होता है मुठ्ठी ठीक है और इस तरीके से उन्होंने अपनी दोनों जो चीक्स हैं जो कि बिल्कुल रेड हैं उनको रेस्ट करके रखा है एंड ही इज थिंकिंग समथिंग व वुमन फ्लंग डाउन एंड एक्स एट हिस्स फीट स्पैट एंग्रिली एंड जजिंग फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ अस बिग्ञान टू स्कोल्ड है नेक्स्ट सरगा क्या देखते हैं कि यह जो कुक है जो वुमेन है ऑल्गा वो जो है क्या कर रही है उसने फ्लंग डाउन एंड क्या होता है कुलाड़ी और फ्लंग डाउन मींस क्या होता है थ्रो फोर्सफुली बहुत ही फोर्स के साथ वो जो कुलाड़ी थी वो फेंक दी किस पे इस मैन के फीट पे पैरों पे इतना गुस्सा आ रहा था ओल्गा को देखकर इस पर्सन को कि अच्छा नहीं लग रहा था वो पर्सन यानी बेगर किसको ओल्गा को तो ओल्गा ने क्या किया ये एक्स को कुल्हाड़ी को बहुत गुस्से से और जोर से फेंक दिया किसके पैर पे लुशकॉफ के पैर पे

रीड कर रहे थे तो वो एक्सप्रेशन देख रहे थे ओलगा के कि ऐसा लग रहा है कि वो क्या कर रही थी लिप्स टू स्कोल्ड हिम कि उनके लिप्स अगर वो देखेगी वो क्या बोल रही हैं तो उससे समझ आ रहा था कि वो चिल्ला रही हैं डांट रही है किसको किस को लुश्कॉफ को दरूटली पुल्ड बिलेट ऑफ वुड टूवर्ड्स हिम सेट इट अप बिटवीन फीट एंड टैप फीबली विद द एक्स और ये जो बैगर है जो कि कौन है लुशकॉफ वो यानी बिना इच्छा के ही वॉज जस्ट डूइंग डूइंग इट इट जस्ट आई नो ही ही एंड डिड नॉट न्यू कि वो क्यों कर रहे थे तो वो जो है ऐसे ही बिना सोचे समझे क्या कर उन्होंने ही पुल्ड अ बिलेट ऑफ वुड बिलट मीन्स बिलट मीन्स अ थिक पीस ऑफ वुड यानी बहुत मोटा जो लकड़ी का टुकड़ा होता है जिसको काटना पड़ता है पीसेस में वो उन्होंने बहुत ज्यादा पुल किया यानी बहुत एफर्ट के साथ अपनी तरफ खींचा बट इच्छा नहीं है बिना इच्छा के किया ये सेकेट बिटवीन हिज़ फ़ीट और अपने पैरों के बीच में उन्होंने रखा ताकि एक यूनो you know, uh, सपोर्ट मिल जाए पैरों से एंड टैप डिट फीबली एक्स और कुल्हाड़ी से बहुत ही हल्के तरीके से बहुत वीक तरीके से क्या किया उसको मारा किस पे लकड़ी के टुकड़े पे क्योंकि वो पहले काम कर नहीं चुके हैं और बहुत ही स्ट्रेंथ भी नहीं थी उनमें तो बहुत ही हल्के हाथों से उन्होंने कुल्हाड़ी को मारा किस पे इस बुलेट पे यानी इस बड़े से लॉग ऑफ वुड पे क्लियर क्योंकि ही ही नेवर एबल टू डू इट नीदर हैड द स्ट्रेंथ सो दिस इज हाउ दिस थिंग ही वॉज डूइंग और ये सब चीजें कौन देख रहे हैं सरगाए देख रहे हैं फ्रॉम द विंडो ऑफ द डाइनिंग रूम The billet wavered and fell down. और ये बिलेट वेवर्ड एंड जो बिलट था जो कि लकड़ी का टुकड़ा रखा उसको कहते हैं बुलेट तो वो थोड़ा सा हिला वेवर हुआ और फिर वो नीचे गिर गया ऑब्वियसली बहुत हल्के हाथ से मारा था जोर से मारते तो वो कट हो जाता है इन पीसेज द बेगर अगेन पोल्ड इट टू हिम ब्लू ऑन हिस्सिंग हैंड्स एंड टैप डॉशियसली और क्योंकि ठंड का टाइम है तो वो अपने हाथ रब करते हैं मुंह से ब्लॉक करते हैं क्योंकि हमें जब ठंड लगती है हम क्या करते हैं हम अपने मुंह से एयर ब्लॉक करते हैं क्योंकि वो वार्म होती है और उससे फिर हमें ठंड कम लगती है तो बैगर ने क्या किया वापस से उस बिलेट को उस लकड़ी के टुकड़े को अपनी तरफ पुल किया इस बार अपने जो फ्रीजिंग हैंड है काम नहीं करते नम हो जाते हैं हाथ राइट तो अपने हाथों पर उन्होंने ब्लो किया और उसको बिल्कुल यू नो रब किया ताकि थोड़ी वार्म मिले एंड टैप डिट विथ इज एक्स कॉशियसली और फिर अपने एक्स से बिल्कुल ऐसे टैप कर रहे हैं यानी आपने देखा हो जैसे ये लकड़ी का टुकड़ा और ये एक्स है तो हम पहले टच करते हैं और फिर एकदम से मारते हैं अगर आपने कभी देखा हो मूवीज वगैरह में तो ऐसे ही बिल्कुल कॉशियसली ध्यान से उस पर टैप किया एक से, इस पे लकड़ी के टुकड़े पे एज एम अफ्रेड ऑफ हिटिंग इज और ऑफ कटिंग ऑफ इज फिंगर क्योंकि वो डरा हुआ था कि वो अपने जूते पे ना मार दे एक्स को और ना ही वो अपनी उंगली में लग जाए उनके कुछ चोट वोट आ जाए तो इस चीज से डरते हुए वो धीरे धीरे जो है लॉग ऑफ वुड पे टच कर रहे थे द स्टिक ऑफ वुड अगेन फेल टू द ग्राउंड और बिकॉज उनको पता ही नहीं था टेक्निक ही नहीं पता था कि कि कितना फोर्स अंगार एंड ऑल वापस से वो जो वुड का पीस है वो नीचे ग्राउंड पे गिर गया

तो अब ये सब जब वो चीजें देख रहे हैं ना कि वो कोशिश कर रहा है ठंड का टाइम है वो नहीं कर पा रहा ये ये सब कुछ देखकर सरगाय का जो है, जो एंगर है एडवोकेट का गुस्सा है वो धीरे धीरे गायब होने लगा वैनिश होने लगा एंड ही नाउ टू फील अ लिटिल सॉरी एंड और उनको बुरा लग रहा था वॉज फीलिंग सॉरी फॉर द बेगर एंड ऑल्सो इनको शर्म आ रही थी अपने ऊपर कि उन्होंने क्या किया है फॉर हैविंग सेट ऑफ स्पॉइल्ड ड्रंकन है भले ही वो बेगर क्या एक है बिगड़ा हुआ इंसान है ड्रंकन है एल्कोहल कंज्यूम करता है बट फिर भी

एंड आर लेटर ऑलगा केम इन एंड अनाउंस दैट द वुड है अब ये सरगा ये सब कुछ चीजें जब सोच रहे हैं वो वहां से जा चुके होंगे इसके एक घंटे बाद क्या होता है ओलगा आती है जो कुक है और वो बोलती है किनको सरगाय को कि जितनी भी लकड़ियां थी जितने भी वुड थे हर किसी को चॉप कर दिया गया है ऑल द वुड पीसेस है यानी कि वो कुछ नहीं कर पा रहा था बट फाइनली उसने पूरे लकड़ी जो है उसको काट दिया डन ऑल राइट गुड गिव हिम हाफ अ रूबल सेट सरगाय और सरगाय बहुत खुश हो जाते हैं वाह उसने काम कर लिया और फिर वो अलगा को बोलते हैं उसको हाफ अ रूबल दे दो जो कि क्या है एक रशियन करेंसी

डे ऑफ इच मंथ टू आर हाउस एंड ही स्टैंड ऑन ले तारीख होती है हर की, वो जो वेव हैस मतलब पर्सन यहां पर बेगर को बोला गया जो कि आउटकास्ट होता है जिसके पास रहने की कोई जगह नहीं होती है उसे हम कहते हैं वेफ वे बात हो रही है किसकी बैगर की जो बैगर है यहाँ पर वो हर महीने फर्स्ट डे जो है जाता था इनके घर पे और हाफ अरूबल जो है वो ले लेता था यानी अर्न कर लेता था क्योंकि जो भी काम इसको दिया जाता था वो काम करता था उसके लिए हाफ अ रूबल सरगा इनको पे करते थे बट ही कुड हार्डली स्टैंड ऑन हिज लेग्स बट वो इतना वीक हो चुका था कि वो अपने पैरों पर मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था बिकॉज ऑब्वियसली जो एक गंदी हैबिट थी इसकी वो क्या थी ही यूज टू ड्रिंक अलॉट, वो एक ड्रंकर थे वो वल्कोहल कंज्यूम करते थे तो डे बाय डे उनकी स्ट्रेंथ जो है ऑब्वियसली वो डिमिनिश होती जा रही थी कम होती जा रही थी क्लियर ऑल राइट फ्रॉम दैट डे ऑन ही ऑफ एंड अपियर इन द्ड एंड एवरी टाइम वर्क वॉज फाउंड फॉर हिम और उस दिन से वो बहुत टाइम तक ज्यादातर क्या होता था वो जरूर आते थे यार्ड में और वहां पर हमेशा उनके लिए कोई ना कोई काम होता था ना ही वुडल स्नोट द वुड इन बीट द डस्ट आउट ऑफ रग्स एंड मैट्रेसेज तो डिफरेंट डिफरेंट काम बताए जैसे अभी तक वो क्या करे थे वुड चॉप करे थे नेक्स्ट काम क्या दिया गया है शॉवल स्नो शॉवल क्या होता है एक टूल होता है इस तरीके का दिखता है शॉवल और उससे स्नो हटाने का काम करना होता था उसे कहते हैं शॉवल स्नो शॉवल मीन रिमूव स्नो अ टूल साइड तो एक ब्लेड होता है ब्रॉड सा और ऊपर से ऐसे ही मुड़ा होता है और उससे फिर क्या होता है ये जो पूरा स्नो है उसको रिमूव करने का काम करते हैं तो उसे कहते हैं शॉवल स्नो देन जितना भी वुड शेड है जो भी लकड़ियों के टुकड़े उसको ऑर्डर में जमा कर रखना वो होता था दूसरा काम देन नेक्स्ट बीट द डस्ट आउट ऑफ रग्स एंड मैट्रेसेस जो बड़े बड़ी चटाइयां होती हैं बहुत बड़े बड़े कंबल होते थे उस पे इसको बीट कर करके यू नो मार मार के डस्ट को निकालना मिट्टी को निकालना ये कुछ काम होते थे जो सरगा इनको देते थे ताकि ये हार्डवर्क करके पैसे कमा पाए

मनी फर्नीचर in in और जब सरगा दूसरे घर में चले जा रहे थे किस काम के लिए हायर किया फॉर द पैकिंग सारा सामान पैक करवाने में हेल्प करें एंड हॉलिंग ऑफ द फर्नीचर हॉलिंग मीन्स ट्रांसपोर्ट करना इट मीन पुल और ड्रैग विद एफर्ट ऑफ फोर्स यानी धक्का मारकर या पुल कर, कर सामान को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना उसे कहते हैं हॉलिंग दिस टाइम द वेफ वॉज सोबर ग्लूमी एंड साइलेंट और इस बार जब यह काम दिया गया था जो वेफ है यानी जो बेगर है वो क्या था सोबर यानी डिसेंट जेंटलमैन ऐसा बिल्कुल नहीं था वॉज ड्रिंकिंग और समथिंग नॉर्मल ही वॉज ग्लूमी सैड था ही वॉज नॉट हैपी एंड साइलेंट और शांत था कुछ भी वो नहीं बोल रहा था ही हार्डली टच द फर्नीचर एंड वॉकड बिहाइंड वैगन हैंगिंग हिज हेड नॉट इवन मेकिंग अ प्रिटेंस ऑफ अपियरिंग बिजी

न प्रिटेंड करना तो वो ऐसा नहीं था कि वो ऐसे दिखावा कर रहे हो कि वो बिजी हैं सो ही वाज नॉट डूइंग एनीथिंग ऑफ दिस सॉर्ट ही वाज बीइंग नॉर्मल पहले क्या करते थे झूठ बोलते थे राइट right? पहले ऐसे आप प्रिटेंड भी करते होंगे काम-वाम करने में बट अब वो नॉर्मल एक साइलेंट इंसान की तरह चुपचाप चल रहे थे इस वैगन के पीछे

रहे थे देवर जियो डैट हिम जियो डैट हिम मींस मेड फन ऑफ हिम टॉन्ट कर रहे थे मॉक कर रहे थे उसको मजाक उड़ा रहे थे उसका किस पे बेस्ड उसकी आइडलनेस पे कि वो जो है बिल्कुल अकेला है कुछ भी नहीं कर रहा फालतू इंसान है इस तरीके से उसका मजाक उड़ा रहे थे दिस फीबलनेस वो कितना पतला था वीक था उसकी स्ट्रेंथ नहीं थी बिल्कुल भी उस बात पर उसका मजाक उड़ा रहे थे एंड हिज

वेल आई एम हैप्पी दैट माई वर्ड्स है फिर उन्होंने एक रूबल फिर से दिया इसको पैसे दिए और उन्होंने बोला मैं बहुत खुश हूं कि मैंने तुमसे जो बातचीत की थी जो मैंने वर्ड्स बोले थे उसकी वजह से तुम पर कुछ इफेक्ट पड़ा है और तुम चेंज हो गए हो एज अ पर्सन हैज फॉर योर पेन्स आई सी यू आर सोवर आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू वर्क और मैं अब जो तुमने मेहनत की है जो तुमको इतना ज्यादा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी इतना पेनफुल था तुम्हारे लिए चेंज होना उसके लिए ये तुम्हारे लिए पैसे हैं एंड आई सी यू आर सोबर एंड हैव नो ऑब्जेक्शन टू वर्क और मैं देख रहा हूं तुम नॉर्मल इंसान बन गये अच्छे इंसान बन गए जेंटलमैन बन गए और अब तुमको काम करने से कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है वॉट इज योर नेम अब फाइनली पूछते हैं सरगार उनसे कि तुम्हारा नाम क्या है तो हमें ऑलरेडी पता है फ्रॉम द बिगिनिंग की क्या नाम है बैगर का लुश्कॉफ तो वो बताते हैं मेरा नाम क्या है लुश्कॉफ वेल लुश्कॉफ आई कैन नाउ ऑफर यू समर क्लीनर एम्प्लॉयमेंट कैन यू राइट अब सरगा बोलते हैं कि मेरे पास तुम्हारे लिए दूसरी नौकरी है और जो कि बहुत अच्छा काम है क्या तुम लिख सकते हो क्या तुमको लिखना आता है तो लुशकॉफ बोलते हैं आई कैन हाँ मैं लिख सकता हूं लेट्स सी उनको क्या काम दे रहे हैं वो Then take this letter 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 to to a friend friend of mine tomorrow and you will be given some copying to do. copy तो ले लिखने का काम करना है तो ये letter लेके जाओ यू वुड गेट दिस क्लीनर इम्प्लॉयमेंट वर्क हार्ड डोंट ड्रिंक एंड रिमेम्बर वॉट आई और फिर सर बोलते हैं मेहनत करो वर्क हार्ड डोंट ड्रिंक बिल्कुल भी अल्कोहॉल कंज्यूम मत करना एंड रिमेंबर वॉट आई है हमेशा याद रखना जो भी मैंने बातें तुम्हें बोली हैं, गुड बाय सो so, ही जो है बिट गुड यानी कि ठीक है बाय बाय अब बाद में मिलेंगे क्लियर man on the right path, द tapped पाथ kindly on the shoulder and even gave him his hand at parting. और फिर क्या होता है क्योंकि सरगा बहुत खुश थे कि मैंने एक पर्सन को चेंज कर दिया उनको बहुत अच्छा लग रहा था और ये अच्छा फील करते हुए उन्होंने शोल्डर पे टैप किया हाथ मारा किसके फ के और उसको जो है हाथ पकड़कर बाद में पार्ट पिकिया, बाद में बाए बाए भी किया लुश्कॉफ टुक द लेटर एंड फ्रॉम दैट डे फोर्थ केम नो मोर टू द्ड फॉर वर्क और वो लेटर लेकर गए लुश्कॉफ और उस दिन के बाद कभी भी वो इनके घर नहीं गए इनके यार्ड में नहीं गए काम करने बिकॉज ऑब्वियसली उनको दूसरी जॉब मिल गई थी क्लियर ऑल राइट टू ईयर्स वेंट बाय Then one evening, as Sergei was standing at the ticket window of a theatre, paying for his seat, he noticed a little man beside him with a coat collar of curly fur and a worn seal skin cap. Finally, क्या होता है? दो साल ऐसे बीत गए, दो साल तक वो बिल्कुल नहीं मिले थे किससे? लुशकोव से अब एक दिन क्या होता है आफ्टर टू इयर्स एक शाम को सरगाय कहाँ खड़े हैं ही इज स्टैंडिंग एट द टिकट विंडो वो एक टिकट विंडो पे खड़े हैं और टिकट खरीद रहे हैं किसकी ऑफ अ थिएटर पेइंग फॉर हिज सीट यानी थिएटर गए हैं ये प्ले देखने गए हैं और वहां पर टिकट खरीद रहे थे ये अपनी सीट के लिए He noticed a little man beside him. और वो अपने पास में देखते हैं साइड में खड़ा हुआ है कौन एक पर्सन जो कि एक है लिटिल मैन कोट कॉलर ऑफ कर्लीफर एक कोट पहना हुआ था और जो कॉलर है वो फर का बना हुआ है एंड सील स्किन कैप और क्या पहनी हुई की, की है उससे बनी हुई कैप जो कुछ इस तरीके की दिखती है थोड़ी वेलविटी होती है उसे कहते हैं सील स्किन कैप दिस लिटिल इंडिविजुअल टिमिडली आस्ट द टिकेट सेलर फॉर अ सीट इन द गैलरी एंड पेड फॉर इट इन कॉपर कॉइन और ये जो पर्सन है उसने क्या किया उसने टिमिडली यानी नॉर्मली ऐसा नहीं था कि बहुत बहुत you know, हिम्मत हो, ऐसे उसने टिकट मांगी कहां पे बैठने के लिए गैलरी में बैठने के लिए और उसको जो है कॉपर कॉइन्स दिए एंड पेड फॉर द टिकट क्लियर तो इस तरीके से वो एक पर्सन को देखते हैं जो कि अपनी टिकट खरीद रहा है इन द सेम थिएटर एंड ही वॉन्टेड टिकट फॉर द गैलरी

हाउ आर यू वट आर यू डूंग हाउ इज एवरी थिंग विध यू और फिर सर गाय सरप्राइज थे तो वो बहुत क्वेश्चन करते हैं उससे तुम कैसे हो तुम आज कल क्या काम कर रहे हो सब कुछ कैसा चल रहा है तुम्हारी लाइफ में ऑल राइट आई एम अड आई एम पेड थर्टी फाइव रूबल एक रूबल मिलता था इनको काम करने के लिए अब वो बोलते हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अच्छा और अब मैं क्या बन गया हूँ एक नोटरी बन गया नोटरी क्या होता है अ पर्सन हु इज़ अ पब्लिकली कमिशन ऑफिशियल एज एन इम्पार्शियल विटनेस टू द साइनिंग ऑफ अ लीगल डॉक्यूमेंट फॉर एग्जांपल आपको कई बार बोला जाता है अटेस्ट करवा के और डॉक्यूमेंट या फिर जैसे आप कुछ भी बनवाते हो तो उस पे स्टैम्प लगता है, बन है नोटरी बनवाना है तो उस पर एक पर्सन सील लगाता है साइन करता है, तो है? है।, है नोटरी क्लियर तो लीगल डॉक्यूमेंट्स को साइन करने का काम करने लग गए थे कौन लुशकॉफ और उनकी सैलरी क्या थी थर्टी फाइव जहां उसके पास कोपेक्स पांच कोपेक्स भी नहीं थे अब उसके पास थर्टी फाइव रूपल हर महीने एज अ सैलरी आ रही थी क्लियर ऑल राइट थैंक्स फाइन आई एम डिलाइटेड फॉर योर सेक और फिर खुश हो जाते हैं सरगाइए सुन के वो बोलते हैं थैंक हेवन यानी थैंक गॉड भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया दैट्स फाइन इट्स वेली ग्रेट और मैं बहुत खुश हूँ आई एम डिलाईटेड फॉर योर सेक मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ आई एम वेरी वेरी ग्लैड लुश्कॉफ यू सी यू आर माई गॉड सन इन अ सेंस और वो बोलते हैं मैं तुम्हारे लिए बहुत 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 ज्यादा खुश इंसान किसी को ठीक करने के लिए किसी काम करता उसे कहते हैं Godson. कि ये का ध्यान रहे थे उसको उन्होंने कुछ बड़ा इंसान बना दिया ऐसा उनका मानना था आई गेव यू पुश अलॉन्ग द राइट पाथ यू नो और ये याद दिलाते देखो मैंने ही तुमको पुश दिया था मेरी वजह से ही तुम इतने बड़े इंसान बने हो डू यू रिमे

थैंक यू ओल्ड मैन फॉर नॉट फॉर गेटिंग माई वर्ड्स और फिर वो बोलते हैं थैंक यू सो मच कि तुम मेरे वर्ड्स नहीं भूले और तुमने मेरी हर बात मानी एंड नाउ यू आर रेडी एंड यू आर अर्निंग सो मच क्लियर तो इस तरीके से वो खुश हो जाते हैं जानकर कि वो जो है इतना अच्छा सैलरी अर्न कर रहे हैं और इसकी वजह से हुआ किसकी वजह से मेरी वजह से हुआ ऐसी सरकार मान रहे थे और इसलिए वो बहुत ज्यादा खुश थे क्लियर ऑल राइट थैंक यू टू सेफ बोलते हैं कि थैंक यू सो मच इवन लाइक वो भी उनको थैंक बोलते हैं कि आपने जो ये कुछ भी किया है उसके लिए मैं भी आपके लिए थैंकफुल हूँ ग्रेटफुल हूँ देन ओनली आई चेंज आज असन इफ आई कम टू यू देन आई माइट स्टिल हैव बीन कॉलिंग माई सेल्फ टीचर और अ स्टूडेंट टू दिस डे और लुश्कॉक बोलते हैं कि अगर मैं आपके पास नहीं आता या मैं आपके साथ आपके घर नहीं चलता तो फिर आज भी मैं वही बोल रहा होता कि मैं एक स्कूल टीचर था मैं एक स्टूडेंट था और इस तरीके से मैं बैग कर रहा होता यस बाय फ्लाइंग टू योर प्रोटेक्शन आई ड्राट माई सेल्फ आउट ऑफ अ पिट और फिर जो आपने एक प्रोटेक्शन दिया आपने जो ये एक सपोर्ट दिया उसी के वजह से मैंने अपने आप को इस गंदगी से एक पिट से एक गड्ढे से बाहर निकाला है आई एम वेरी ग्लैड इन और मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ इन रियालिटी आई एम वेरी हैप्पी थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड डीड्स आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू एंड टू योर कुक और फिर वो बोलते हैं जब ये बोलते ना कि मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ यानी सरगाय बोलते हैं मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ तो लुशकॉफ बोलते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ आपके और आपकी कुक के वर्ड्स के लिए यानी ओलगा के लिए गॉड ब्लेस दैट गुड एंड नोबल वुमन और फिर वो किसकी तारीफ करते हैं कि भगवान करे कि वो जो है हमेशा अपना आशीर्वाद बना रखें किसके साथ उस अच्छी और नोबल वुमन के लिए यानी ओलगा हु इज अ वेरी गुड एंड अ वेरी जेंटल एंड लेडी, गॉड मस्ट कीप हिज ब्लेसिंग्स ऑलवेज विथ द लेडी You you spoke then, and I shall be indebted to you to my dying day. But strictly speaking, it was your cook Olga who saved me. So, Lushkov says, definitely से बात की थी उस दिन और उसके लिए मैं हमेशा आपका कर्जदार रहूंगा आई I इंडेप्टेड टू यू the day आई एम प्रेजेंट ऑन दिस और जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं आपके लिए हमेशा थैंकफुल रहूंगा और मैं कर्जदार रहूंगा आपका बट स्ट्रिकली स्पीकिंग बट अगर मैं सच सच बताऊं क्या वो चीज है जिससे मैं चेंज हुआ एज अ पर्सन वो था आपकी कुक की वजह से आपकी वजह से मैं चेंज नहीं हुआ हूं एज ए पर्सन आपकी वजह से मैं ओलगा से मिला और औलगा ने जो है मुझे चेंज किया है अब ऐसा क्या किया ओलगा ने लेट सीट इट हाउ इज दैट तो जैसे हम शॉकड हैं वैसे ही ये एडवोकेट सरगा भी शौक थे कि ओलगा ने कैसे तुमको चेंज किया वेन आई यूज टू कम टू योर हाउस टू चॉप वर्ड शी यूज टू बिगिन जब भी मैं आपके घर पर लकड़ी काटने आता था ऑलगा डेली जो है इस तरीके की बातें करती थी क्या बोलती थी वो ओ यू सॉरेबल तो वो बोलती थी oh, you sort. Sort means habitual drunkard. तुम जो हो सिर्फ एल्कोहल पीते रहते हो उसे कहते हैं सॉर्ट तो वो उनको बहुत ज्यादा अब यूज करती थी बुरा भला कहती थी यू सॉर्ट यू मिसरेबल क्रीचर तुम एक बहुत बुरे इंसान हो देर इज नथिंग फॉर यू बट रूवन तुम्हारी लाइफ में कुछ भी नहीं है तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं बना है बस तुम चीजें खराब करने के लिए पैदा हुए हो यानी सामने बैठ जाती थी और बिल्कुल सैड हो जाती थी दुखी हो जाती थी लुक इन टू माई फेस एंड फेस देखती थी और फिर रोने लगती थी प्लेजर फॉर यू इन दिस वर्ल्ड एंड देर विल बी नन इन वर्ल्ड टू कम और फिर वो बोलते हैं कि वो बैठ जाती थी रोने लगती थी और रोते रोते बोलती थी यू आर अ अनलकी मैन तुम बिल्कुल भी लकी नहीं हो देर इज नो प्लेजर फॉर यू इन दिस वर्ल्ड तुम्हारे लिए इस पूरे वर्ल्ड में कोई भी हैप्पीनेस नहीं है कोई भी खुशियां नहीं है एंड देर विल बी नन इन द वर्ल्ड टू कम और आगे जाके भी तुम्हें कोई भी खुशी नहीं मिलेगी तुम्हें बिल्कुल भी हैप्पीनेस नहीं मिलेगी यू ड्रंकर्ड यू विल बर्न इन हेल और तुम एक ड्रंकर्ड हो यू ड्रिंक अ लॉर्ड ऑफ एल्कोहल एंड यू आर गोइंग टू बर्न इन हेल यानी कि तुम नर्ग में जाओगे तो इस तरीके से बहुत बुरे बुरे वर्ड बोलती थी ऑलगा इनको ओ यू अन हैप्पी कैरी ऑन यू नो इन दैट स्ट्रेन और इसी तरीके से वो उनको बोलती थी कि यू आर एन अनलकी वन और इसी स्ट्रेन में इसी टोन में वो कंटिन्यूसली इस तरीके के वर्ड यूज करती थी किसके लिए हमारे बैगर के लिए आई you टेल यू हाउ मच मिसरी शी सफर्ड हाउ मेनी टीयर्स फॉर my सेक और ये सब वो इसीलिए बोलती थी ताकि लुशकॉफ को बुरा लगे और वो चेंज हो एज अ पर्सन और वो बोलते हैं मैं आपको नहीं बता सकता कितना ज्यादा दुख उसने सहन किया है कितना ज्यादा बुरा फील करती थी वो हाउ मच शी हैज क्राइड फॉर माई सेक मेरे लिए कितना ज्यादा वो रोई है बट द चीफ थिंग वॉज शी यूज टू चॉप द वर्ड फॉर मी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज सबसे चीफ चीज क्या थी कि जो भी लकड़ियां काटी है वो मैंने नहीं काटी बल्कि कौन काटता था औलगा काटती थी लुश्कॉफ के लिए और पैसे कौन लेता था लुश्कॉफ यानी ओल्गा ने सारा काम किया ताकि उसको पैसे मिले बट वो उसको ये सब चीजें भी सुनाती थी कि तुम कभी भी ठीक नहीं होगे तुम अनलकी पर्सन हो उसके लिए सैड फील करती थी कि तुम ऐसे इंसान क्यों हो डू यू नो सर दैट आई डिड नॉट चॉप वन सिंगल स्टिक ऑफ वुड फॉर यू शी डिड इट ऑल बोलते मैंने एक छोटी सी छोटी लकड़ी भी नहीं काटी थी आपके लिए सारा जो भी वुड चॉपिंग का काम था वो ओल्गा ने किया था मैंने नहीं किया था सो इट वॉज ओल्गा हु वर्कड फॉर यू नॉट मी बट शी डिड एवरीथिंग फॉर माई ताकि मैं चेंज हो पाऊं व्हाई द सेव मी व्हाई आई चेंज्ड व्हाई आई स्टॉप ड्रिंकिंग एट द साइट ऑफ हर आई कैन नॉट एक्सप्लेन फिर यहां पे बेगर या लुशकोव बोलते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा कि इन सब चीजों से मैं चेंज कैसे हुआ क्यों मैंने यू नो अल्कोहल कंज्यूम करना बंद कर दिया ये सब चीजें देखकर ओल्गा को देखकर इन सबका रीज़न नहीं है मेरे पास बट डेफिनेटली मैं एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता बट आई चेंज्ड बिकॉज ऑफ ऑल गा आई ओनली नो दैट ओइंग टू हर एंड नोबल डीड्स अ चेंज टू प्लेस इन माई हार्ट शी सेट मी राइट एंड आई शेल इट वो बोलते हैं बस मुझे एक ही चीज़ पता है कि वो जो उसने वर्ड्स यूज़ किए मेरे लिए और जो नोबल को की यानी अच्छा काम किया मेरे लिए वो चॉप किया ताकि मुझे पैसे मिल पाए ये सब चीज़ों ने मेरे हार्ट में दिल में एक चेंज लाया एक जगह बनाई और उस वजह से मैं चेंज हुआ हूं मैं सही रास्ते पे चल रहा हूं ऑल बिकॉज ऑफ ओल्गा और मैं कभी भी भूल नहीं पाऊंगा तो वो बोलते हैं बस अब मेरा टाइम हो गया है, बेल गई है एंड लुश्कॉफ बोर्ड एंड डिपार्टेड टू द गैलरी और, और लुश्कॉफ जो है वो अपनी मुंडी नीचे करते हैं रिस्पेक्ट देते हैं और फिर गैलरी जहां की टिकट खरीदी थी वहां पर चले जाते हैं तो ओवरऑल वो क्या बताना चाह रहे थे कि जो हैं एडवोकेट उन्होंने हेल्प तो की लुशकॉफ की बट हमेशा जताते थे मेरी वजह से हुआ चेंज मैंने तुम्हें ये वर्ड्स बोले मैंने तुम्हें चिल्लाया था

और किस तरीके से क्या वो फैक्टर्स थे काइंडनेस देन द डिफरेंट वर्ड्स यूज्ड बाय द कुक ऑल ओल्गा हर एक चीज जो है वो इसी बात पे स्ट्रेस करती है कि कैसे बेगर में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ क्लियर इसीलिए ये जो टाइटल है द बेगर इट इज एन एप्रोप्रियेटली गिवन टाइटल क्लियर इसके अलावा कौन-कौन से कैरेक्टर्स हैं जिनकी बात हमने की है सो देयर आर थ्री मेन कैरेक्टर्स इन दिस कंप्लीट स्टोरी बैगर जिसका नाम है लुशकॉफ देर इज एन एडवोकेट जिनका नाम है सरगा कुछ इन द हाउस ऑफ द एडवोकेट एंड क्लियर तो ये तीन कैरेक्टर्स है जिनकी बात की गई है फिर डिफरेंट इंस्टेंसेज बताए गए हैं किस तरीके से ये बैगर मिलते हैं एडवोकेट से क्या वो दो झूठ है जिसकी वजह से एडवोकेट को पता चलता है कि ये पर्सन जो है वो झूठ बोलता है पैसे कमाने के लिए ही चीप्स पीपल फॉर मनी एंड देन कैसे वो ऑफर करते हैं उसको काम

बट क्या वो रीजन है या वो क्या पर्सन थे जिसकी वजह से ये सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं बेगर की लाइफ में वो सब हमें पता चलता है एट द एंड ऑफ द स्टोरी क्लियर तो ऐसे पूरी जो स्टोरी है वो रन करती है अब क्या क्या हुआ है स्टोरी में अगर क्लियर नहीं हुआ है इन द एक्सप्लेनेशन तो कोई बात नहीं हम रिवाइज कर लेंगे एवरीथिंग इन दिस पर्टिकुलर वीडियो दैट इज द समरी ऑफ द चैप्टर क्लियर सो नाउ लेट्स बिगिन विद द समरी ऑफ द कंप्लीट चैप्टर

कि लास्ट थ्री डेज से उन्होंने कुछ नहीं खाया है सो ही हैड नो मनी टू बाय फूड सिमिलरली ही डज नॉट इवन हैव कूपेक्स जो कि क्या होता है रूबल का यानी कि एक रूबल में कितने कूपेक्स होते हैं हंड्रेड कूपेक्स जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं तो यहां पे वही बात होती है कि वो बोलते हैं मेरे पास इवन फाइव कूपेक्स भी नहीं है फॉर एग्जाम्पल वी कैन से फाइव पैसे भी नहीं है लिखना आपको कूपेक्स ही है मैं अगर समझ नहीं आ रहा सो वी कैन इट इन दिस वे सो so, वो बोलते इतने पैसे उनके पास किस लिए नहीं है लॉजिंग के लिए यानी कहीं पे वो रह सके लॉजिंग जहां पे आप रहते हो क्लियर तो इस तरीके से वो पैसे मांग रहे हैं फाइनली क्या होता है ना जब भी ये पैसे मांगते हैं अपनी एक स्टोरी नरेट करते हैं जिससे सामने वाले को पिटी फील हो बुरा लगे बैगर के लिए और फिर वो इजिली उसको पैसे दे दें दे ब्राउन टैटर्ड ओवरकोट एंड डल ड्रंक नाइज विद स्पॉट ऑन ईद चीक नाउ दिस एडवोकेट दिस पर्सन नेम एस

रेट करता है कि मैं स्पेसिफिकली बेगर नहीं हूँ, मैं ऐसा था मेरा ये पहले प्रोफेशन था बट धीरे धीरे कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से मैंने अपनी जॉब दी, आई lost माई जॉब और इस तरीके से वो पैसे कमाने का तरीका था उनका कि लोगों को बुरा लगे किसके लिए बैगर के लिए क्लियर तो अभी ये जो सरगाएं हैं जो एडवोकेट हैं अभी इनको ये कौन सी स्टोरी नरेट करते हैं कि मैं जो हूँ क्या था एक स्कूल टीचर था वो भी आठ साल के लिए क्लियर आठ साल तक मैं कहा था भाई एक स्कूल में विलेज में क्या था स्कूल टीचर था एंड लॉस्ट हिज जॉब डू टू अंस्पेसी अगेंस्ट हिम और वो बोलते हैं कि कुछ कॉन्स्पिरसी की वजह से या कुछ जो षड्यंत्र हम बोलते हैं उसकी वजह से कुछ लोग होंगे इनके स्कूल में कि ये उसके विक्टिम बन गए यानी समथिंग प्लॉटिंग और प्लानिंग डन अगेंस्ट दिस पर्सन हु अ टीचर इन अ विलेज एंड ही लॉस्ट हिज जॉब ड्यू टू इट और एक साल तक उनके पास अभी कोई भी काम नहीं है ही कंटिन्यू दैट ही हैड गॉट एन ऑफर ऑफ अ जॉब इन द स्टेट ऑफ दालूगा अब क्या होता ना ये डिफरेंट रीजन तो दे दिया इन्होंने कि ये बेगर है नहीं exactly क्योंकि इनको बैक करना पड़ रहा है बिकॉज क्योंकि इनको एक दूसरा वो स्टोरी नरेट करते हैं कि उनको एक जॉब ऑफर मिला है कहां से मिला जॉब ऑफर फ्रॉम अ स्टेट ऑफ कालुगा फ्रॉम अ प्रोविंस ऑफ कालुगा या बोल सकते हैं फ्रॉम द रीजन ऑफ कालुगा ठीक है है कालुगा एक प्लेस है. तो यहां पे वो इस तरीके से प्रूव करते हैं क्योंकि मेरे को एक जॉब ऑफर मिला है आगे जाके वो बोलेंगे मेरे पास पैसे नहीं है ट्रैवल करने के वहां पर इसीलिए मैं बैक कर रहा हूँ आई डोंट डॉन्टेड मुझे अच्छा नहीं लगता बट डेफिनेटली क्या करूँ ये मेरे सर्कमस्टांसिस हैं जो सिचुएशन है दे आर कंपेलिंग मी दे आर फोर्सिंग मी टू बैक फॉर द मनी क्लियर ऑल राइट ही डिड नॉट है

सरगाइज जो है वो कोशिश कर रहे हैं सोचने की कि हाँ मैंने इस बैगर को कहीं तो देखा है बट उनको याद नहीं आता फाइनली जब वो इस बैगर के ओवर शूज देखते हैं जो कि एक बड़ा है साइज में और एक छोटा है साइज में और इन शूज को देख उन्हें याद आता है कि भाई ये वही बैगर है जिनको इन्होंने डे बिफोर येस्टडे कहा देखा था सदोव्या स्ट्रीट पे तो वो एकदम से रिकॉल कर लेते हैं कि उन्होंने सदोविया स्ट्रीट पे ही सॉ दिस मैन दिस बेगर डे बिफोर द प्रीवियस डे यानी परसों जो बीता हुआ परसों है उसे कहा गया है डे बिफोर द प्रीवियस डे सर टोल्ड द बेगर दैट दैट ही ही हैड टू टेल हिम द अदर डे वाज अ स्टूडेंट हु हैड बीन और सरगा फिर बोलते हैं कि तुम्हें अगर याद हो तो तुमने मुझे ये बोला था जब हम लोग परसों स्ट्रीट पे मिले थे यू नरेटेड मी अ स्टोरी कि तुम एक स्टूडेंट थे और तुम्हें जो है एक्सपेल कर दिया गया रस्टिकेट कर दिया गया निकाल दिया गया जहां पे भी, भी तुम पढ़ते थे वहां से सो so, अब तुम बोल रहे हो कि तुम क्या हो एक स्कूल टीचर हो हियरिंग बेगर वॉज शॉक एंड मॉर्म दैट इट वॉज नॉट पॉसिबल और ये बैगर जो का टीचर नहीं हूँ या कोई भी ऐसे एक्सपेल वाली बात सच नहीं है मैं झूठ बोल रहा हूँ क्लियर अब ये क्या है एडवोकेट है सर गाय तो वो ये चीज पकड़ लेते हैं और वो सीधे सीधे बोल देते हैं इस पर्सन को कि तुमने तो ये स्टोरी नरेट की थी मुझे परसों के दिन आज तुम बोल रहे हो तुम स्कूल टीचर हो तो ये सुनकर ये सुनकर जो है बेगा वो बोलते हैं कि नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है मैंने ऐसा कभी भी कोई झूठ बोला नहीं है और फिर वो बोलते हैं कि मैं आपको डॉक्यूमेंट्स दिखा सकता हूँ पेपर्स दिखा सकता हूं, हूं जिससे मैं आपको ये प्रूफ कर दूँ कि मैं डेफिनेटली क्या हूँ एक स्कूल टीचर हूँ मेरे पास एक प्रूफ है दैट ही ये झूठ बोल रहा है बिकॉज वो ये चीज बोलते हैं कि जब सदोविया स्ट्रीट पे उन्होंने इस बेगर को देखा था तब भी उस जो स्कूल से एक्सपेल होने की स्टोरी है वो रीज़न भी बताया था उसने परफेक्टली कि क्यों उसको स्कूल से या यूनिवर्सिटी से यहाँ पेन्शन नहीं है बट मतलब जहां पे भी ये स्टूडेंट थे वहां से क्यों इनको निकाला गया था और ये वो रीजन दे चुके थे अब वो दूसरी कहानी बता रहे थे और वो बोल रहे हैं नहीं मैं स्कूल टीचर ही था मेरे पास प्रूफ है तो ये जो सरगाए हैं वो समझ जाते हैं कि ये क्या कर रहा है बहुत ज्यादा झूठ बोल रहा है वो गुस्से में आ जाता है और वो बोलते हैं तुमने बहुत झूठ बोल लिया यू हैव लाइड ए

Hearing this, the beggar admitted that he was lying to people so that they would take pity on him for his condition. और ये सुनकर beggar ने फिर बोला कि okay sir, sorry I was lying. Definitely मैं झूठ बोल रहा था और मैं ऐसे ही झूठ बोल के पैसे कमाता हूँ ताकि लोगों पर मुझ पर क्या है लोगों को दया आए Directly नहीं बोला but लोग ताकि मुझे पैसे दें and he confessed that he used to sing in a russian choir and was fired for his drunkenness fir wo batata hai अब ये भी सच है यहाँ झूठे डोंट नो बट यहाँ पे फाइनली ये चीज बताता है वो एडमिट करते हैं कि ना ही वो कोई स्कूल टीचर थे ना ही उनको किसी जगह से यू नो एज अ स्टूडेंट एक्सपेल किया गया है बट ही यूज टू फॉर्मली सिंग इन अ अयर एक रशियन ग्रुप ऑफ सिंगर्स का कोई ग्रुप है और वहां पर ये स...

तो बेगो भी सरगाय को बोलते हैं कि मुझे भी पता है कि मुझे काम कर लेना चाहिए बट मुझे नहीं लगता कि कोई काम है कौन सा काम है भाई जो मैं कर सकता हूँ सरगाय आज टू तो कट वुड एट हिज हाउस रीच द एडवोकेट हाउस और फाइनली क्या होता है सरगाय पूछते हैं वुड यू लाइक टू कट वुड फॉर मी और वुड यू लाइक टू चॉप वुड एट माई प्लेस तो जो ये पर्सन है बेगर ही वॉज नेवर इनक्लाइंड टू वर्क हार्ड तो वो बोलते हैं कि ठीक है मैं कर लूंगा बट मेरे हिसाब से जो स्किल्ड वुड कटर्स भी होते हैं जिनको बहुत अच्छे से वुड कट करना आता है वो भी घर पे बैठे दे डू नॉट हैव मनी टू बाय ब्रेड ब्रेड यानी खाना बेसिक फूड तो वो बोलते हैं सर गाय वो कुछ नहीं रीजन वीजन नहीं वो डायरेक्टली पूछते हैं तुम वुड चॉप करने चल रहे हो मेरे घर में या नहीं अब बिकॉज वो अपने बातों में फंस चुका था ये जो बेगर है कि उन्होंने झूठ बोला फिर वो बोलते हैं कि मेरे पो को पता है मैं काम कर सकता हूँ मेरे पास काम नहीं है अब काम मिल रहा है मना करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगी चीजें इसीलिए वो अपने खुद के वर्ड्स में ट्रैप में फंस चुके थे सो ही हैड टू यस और फाइनली वो बोलते हैं ठीक है आई वर्क फॉर यू आई विल चॉप वुड फॉर यू एंड फाइनली ये दोनों जो है वो निकल जाते हैं और कहां पहुंचते हैं सरगाय के घर पे दैट इज एडवोकेट्स एंट्री हो चुकी है कैरेक्टर दैट इज द कुक जिनका नाम है ओल्गा तो जैसे ही ये लोग एडवोकेट के लॉयर के घर में पहुंचते हैं वो जो है अपनी कुक को बुलाते हैं सरगाय जिनका नाम है ऑलगा और उनसे कहते हैं कि इस जेंटलमैन को यानी बेगर को अब वो ऐसे तो बोलेंगे नहीं बेगर को लेके जाओ तो वो क्या बोलते हैं टेक दिस जेंटलमैन और एरिया में लेके जाओ जहां पे वुड शेड एरिया यानी कि जहां पे लॉग्स ऑफ वुड्स अरेन्ज होते हैं एंड देन द चॉप्स द वुड इनटू पीसेस और वहां पर इनको जो है चॉपिंग करने दो लाइक लेट हिम चॉप द वुड Yes uh, कुछ तो यहाँ पे वर्ड जो बुक में दिया है दैट इज गेट तो वो जिस तरीके से वॉक करके जाते हैं है कि वॉज नॉट लाइक He uh, he he came to to work or he said yes to sir guy because he was hungry last three days उसे खाना नहीं खाया जैसे उन्होंने बताया या फिर उनको कुछ काम चाहिए था बल्कि trapped by his own words but because बिकॉज ही एक होता है ना pride कि हाँ मैं कर लूंगा काम दूसरी बात शेम क्योंकि झूठ बोला था एंड थर्ड थिंग अपने ही बातों में वो फंस गए थे कि मेरे पास काम तो मैं कर लूँ बट है कहाँ जिस तरीके का उनका फिजिकल अपियरेंस था बैगर का वो बहुत ज्यादा वीक थे और उनकी जो स्ट्रेंथ थी जो ताकत होती फिजिकल स्ट्रेंथ वो बहुत अंडर माइंड कम हो गई थी वजह से बिकॉज ऑफ द लॉर्ड ऑफ एल्कोहल दैट यूज टू कंज्यूम और उस वजह से ही वॉज लाइक ही डिड नॉट फेल्ड दैट रेडीनेस दैट इंक्लिनेशन टू वर्ड्स टॉयल दैट इज हार्ड वर्क तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि ये खुद मेहनत करना चाहते हैं या समथिंग इसीलिए उन्होंने हाँ बोला बिल्कुल भी नहीं ही जस्ट सेड यस बिकॉज वो खुद की बातों में फंस गए थे एंड दैट्स वाई ही सेट कि हाँ ठीक है मैं ये काम कर लूंगा

में ओल्गा अनलॉक्ड द शेड एंड थ्रू द एक्स टुवर्ड्स हिम एंड स्कोल्डेड हिम अब क्या होता है ओल्गा जाती हैं उनको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा उनके चेहरे पे एक बहुत ही रैटफुल एक बहुत ही हेटरेट टाइप का एक्सप्रेशन है किसके लिए बेगर के लिए जाती हैं वो अनलॉक करती हैं इस डोर को बहुत जोर से बैंग करती है डोर को बिकॉज़ वो गुस्से में है एंड फिर वो उस पर्सन को जो है एक्स जो है फेंक के देती हैं कि भाई लो काम करना चालू करो एंड जिस तरीके से उनके जो लिप्स रीड कर पा रहे थे कौन एडवोकेट क्योंकि उनको इतनी दूर से सुनाई तो दे नहीं रहा था तो एक तरीके से वो ये देख रहे थे कि उनकी लिप्स रीड करते हुए उनको समझ आ रहा है कि ये कुछ चिल्ला रही है शी वॉज कोल्डिंग दिस पर्सन दैट इज द बेगर सो लेट्स सी इज ही एबल टू डू द वर्क और समथिंग एल्स इज गोइंग टू हैपन The beggar pulled the piece of wood towards him, placed it between his feet and hit it weakly with the axe. अब क्या होता है ये जो beggar है वो billet को यानी कि जो piece of wood है छोटा सा piece of wood है उसको अपने तरफ irresolutely pull करता है यानी कि without any meaning, without being sure. He was in बोलते हैं ना संकोच में होना उसे कहते हैं irresolutely. तो he was not certain या he was not sure कि उन्हें काम करना है तो वो ऐसे ही बस because बोल दिया है तो उस billet को अपनी तरफ pull करते हैं

Like, उनके कट, उनके कट कट उनके उनके हो जाए, जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए तो uh, इसीलिए वो इतनी normally, इतनी धीरे-धीरे जो है इस पे मार रहे थे द वुड फेल एंड ऑब्वियसली इतना वीक अटैक करते हैं अगर हम वुड पे तो वो क्या होता है गिर जाती तो अगेन ये जो बुलेट था वो गिर गया आफ्टर एन आवर of ऑल द been वीन In इन बिटवीन दिस happens?

ऑल द वुड हैज बीन चॉप्ड यानी पूरी जो लकड़ी है वो काट दी है ऑब्वियसली किसके थ्रू बैगर के थ्रू ऐसा ही दिमाग में होता है सरगा के सरगाज ग्लैड दैट द मैन वर्ग एंड पेड हेम फिफ्टी कुपेक्स हाफ अ रूबल फॉर चॉपिंग द वुड और फाइनली क्या होता है वो उसको ओल्गा को बोलते हैं कि ही वॉज वेरी हैप्पी तो वो ओल्गा को बोलते हैं गिव हिम हाफ अ रूबल एक रूबल में कितने हंड्रेड कूपे इट इज अराउंड फिफ्टी कूपेक्स आपको दोनों चीजें बता दी गई हैं या तो फिफ्टी कूपीज बोले हैं हाफ अ रूबल इट्स ऑल सेम क्लियर तो वो बोल देते हैं गिव हिम हाफ अ रूबल पे हिम दिस फॉर चॉपिंग द वुड और इसके अलावा भी वो ओल्गा को बोलते हैं कि ही आस्क्ड हिम टू कम ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ फॉर इट

नाउ ही वुड शोविल स्नो पुट द वुड शेड इन ऑर्डर बीट द डस्ट आउट ऑफ रग्स एंड मैट्रसेस तो डिफरेंट डिफरेंट काम किए जाते थे जैसे शोवेल के थ्रू स्नो को हटाना

और वो उनको जो है काम के लिए बुलाते हैं और इस वक्त वो काम बोलते हैं हॉलिंग ट्रांसपोर्ट करने के लिए फर्नीचर का काम देते हैं ही हार्डली टुक पार्ट इन मूविंग द फर्नीचर बट ही डिड नॉट वर्क वो कुछ मुश्किल से ऐसे टच वच कर दिया होगा फर्नीचर को उसके अलावा उसने कुछ भी नहीं किया वॉज नॉट द जो यू नो पैकिंग में या ट्रांसपोर्ट करने में इन चीजों के हेल्प कर रहा था ही सिंपली वॉकड हैंगिंग लो एंड डिड नॉट इवन प्रिटेंड टू बी बिजी सो ही वॉज जस्ट वॉकिंग बिहाइंड द वैगन कह सकते हो व्हीकल्स एंड वो जो है सिर्फ अपने सर को नीचे करके चल रहा था एंड डिड नॉट इवन बॉर्डर टू वर्क उसने कोई भी काम नहीं किया था एंड डिड नॉट इवन फेक भी नहीं किया कि मैं बिजी हूं He was shivering in the cold and felt embarrassed when the Carters made fun of him. So, दो चीजें हो रही थीं। He was shivering because बहुत ज़्यादा ठंड थी, and also जो Carters थे, जो delivery people थे, वो इनका मज़ाक उड़ा रहे थे because of the overcoat, fancy overcoat he was wearing and everything. So, they were mocking him, they were making fun of him. बस यही एक चीज़ हो रही थी जिसकी वजह से he was feeling embarrassing, बहुत insulting feel हो रहा था, and other than that, he was also shivering in cold. When the work was completed, Sir called the beggar. और जैसे ही काम complete हो जाता है transporting, packing सब हो जाता है he finally settled in the new house. वो जो है इसको लुशकॉफ को यानी beggar को वापस बुलाते हैं He was happy that he had changed due to his scoldings. और वो खुश थे वो उसको बोलते भी हैं कि आई एम वेरी हैप्पी दैट यू हैड दैट सम चेंजेस बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ माय वर्ड्स या फिर मैंने जो तुम्हें चिल्लाया था जो यू you नो know, मैंने तुम्हें रोस्ट किया था उसकी वजह से तुम्हें कुछ ना चेंज कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं ही अ रूबल फॉर हिज लेबर एंड हिम हिज नेम एंड वेदर ही कुड राइट और उसको एक रूबल पे किया जो भी काम हुआ पैकिंग एंड यू नो ट्रांसपोर्टेशन का एंड फिर फाइनली अब जाके पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है Sargay handed him a letter to be delivered to a friend of his and obviously we know he replied. माय नेम सरगाय ने पूछा उनसे कि मेरे लिए, मेरे पास तुम्हारे लिए है, अच्छी नौकरी है तो वो बोलते हैं yes, तो वो क्या करते हैं, तो एक कर देते, कर देते हैं किसको इस बैगर कोफ को ताकि वो उस लेटर को इनके फ्रेंड के पास लेके जाए और वो इनको एक कोई अच्छा काम देंगे सरगा इस फ्रेंड वुड गिव कॉपिंग वर्क टू क्योंकि वो लिखना जानते हैं तो कॉपी करने का काम जो है वो लुशकॉफ को मिल जाएगा ही इंस्ट्रक्टेड हिम टू वर्क हार्ड एंड दे पार्टेड और वो इंस्ट्रक्शंस दिए उन्होंने कि भाई अच्छे से मेहनत करना एंड एवरीथिंग और फाइनली फिर ये दोनों चले गए एंड बहुत टाइम तक ये लोग नहीं मिले सो लुशकॉफ वेंट ऑन वे एंड इन हाउस क्लियर ऑल राइट टू इन पास एंड इवनिंग टिकेट काउंटर ऑफ एटर पेंग फॉर एस सी

बट सरगय रिकॉग्नाइज्ड हिम एंड आस्क्ड अबाउट हिम एंड व्हाट हैपन ही वाज टेकिंग द टिकट आस्किंग फॉर द टिकट इन अ फीबल वॉइस बहुत नॉर्मल बिल्कुल ऐसा नहीं था कि बस द कॉन्फिडेंस हो इस तरीके से वो टिकट मांग रहे थे एंड ही पेड द कॉपर कॉइंस फिर क्या होता है सरगय जो है वो उनको पहचान जाते हैं और उनको बोलते हैं आई यू क्लियर वर्किंग अ नोटरी एंड वॉज पेड थर्टी फाइव रूबल्स एवरी मंथ तो वो पूछते हैं आर यू लुश्कॉफ हाउ आर यू वट आर यू डूइंग वेर आर यू वर्किंग हाउ इज लाइफ एवरीथिंग वो पूछते हैं तो so, यहाँ पे लुश्कॉफ बताते हैं कि मैं अब एक नोटरी की तरह काम कर रहा हूँ नोटरी क्या होता है कुछ ऐसे पीपल होते हैं जिनको सील साइन और अपना सिग्नेचर करना होता है कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स पे जैसे आप अटेस्ट की की बात आपने सुनी होगी तो वो क्या करते है? कि की तरह काम करते हैं 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 विटनेस तरह काम उसमें जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। उन्हें कहते नोटरी क्लियर तो ये एक नोटरी की थर्टी फाइव रूपल हिम द राइट पाथ अब सरगा देखते हैं उनमें चेंजेस

ही रिवील दैट शी वॉज द वन हुट वॉज असाइन टू हिम जब ये चीज सुनते हैं सर गाय तो लाइक हाउ इज दट पॉसिबल लाइक वट इज द रीजन आप ऑलगा को बोल रहे हो दट शी वॉज मोर रिस्पांसिबल

को और बोलती क्या थी कि बेसिस ने किया लुशकोफ ने किया और उसको पैसे मिल जाते थे तो वो ये काइंडनेस जब देखी पेगन ने तो उसकी वजह से चेंज देखने को मिला आल्सो जब भी भी ये काम करने के लिए जाते थे ना ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ सो दिस लेडी दैट इज ओल्गा वुड स्कोल्ड हिम वो चिल्लाने लगती थी किसको लुशकोफ

He stopped drinking completely and started working hard to earn his livelihood. और इस तरीके से उन्होंने एल्कोहल की जो हैबिट थी वो ड्रॉप कर दी Then finally उन्होंने जॉब करना स्टार्ट कर दी And नाउ ही is working हार्ड टू earn मनी नॉट बेगिंग टू earn मनी

जो है वो रिस्पेक्ट पे करते हैं वो करते हैं सरगा के सामने एंड देन वो गैलरी के लिए चले जाते हैं सो दिस इज हाउ ये स्टोरी में पता चलता है कि ऑब्वियसली जो हैं वो अगर इनिशिएट नहीं करते एक हेल्पिंग हैंड लैंड नहीं करते तो ये सब कुछ नहीं होता बट ये उनका सिर्फ इतना पार्ट था कि उन्होंने उनको हेल्प दी बहुत बड़ी बात है बट जो पूरा चेंज देखने को मिला है किसमें बगर में वो सिर्फ और सिर्फ ओलगा की वजह से देखने को मिला है बिकॉज सिर्फ उन्होंने काम देकर छोड़ नहीं दिया उसको ओलगा ने उनको ऐसे ऐसे वर्ड्स बोले उनको दिखाया करके कि हार्डवर्क करना चाहिए पैसे कमाने के लिए ताकि उनको समझ आया कि ये एज अ पर्सन ही नीड्स टू चेंज ही नीड्स टू चेंज सर्टेन है and also he's earning a very good handsome amount clear दिस इज शानी दि वेलकमिंग यू टू मैगनेट एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिफरेंट द वेरी चैप्टर ऑफ द बुक टाइटल्ड एज द बेगर तो इस पूरे चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन जो है हम प्रीवियस टू वीडियोज में देख चुके हैं एंड ऑल्सो हमने देख लिया है द समरी ऑफ द कम्पलीट चैप्टर बट वी नाउ नीड टू डिस्कस द डिफरेंट क्वेश्चन दर हैव बीन आज इन दिस पर्टिकुलर लेसन अब ये जो क्वेश्चन हैं वो कम्पलीटली ओवरऑल इस चैप्टर को कम्पेयर बोल सकते हैं कि कवर कर रहे हैं देर इज नथिंग दैट इज नॉट आज इन दिस क्वेश्चन और ये क्वेश्चन जो है ओवरऑल आपके जो हमने समरी देखी है जैसे पूरे चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट इंसिडेंसेज हैं उनको बहुत अच्छे से कवर करते हैं नाउ वी विल डिस्कस कि अगर शॉर्ट टाइप के हैं तो आंसर्स कैसे लिखने हैं अगर इसको लॉन्ग आंसर टाइप दे दिया तो आप और क्या ऐड कर सकते हो सो दैट यू गेट द कंप्लीट व्यू किस तरीके से आपको अपने आंसर्स को मैंशन करना है क्लियर ऑल राइट री फर्स्ट क्वेश्चन तो लुश्कॉफ जो है यानी जो बेगर है वो जो ये बैग कर रहे हैं यानी कि वो अपने नॉर्मल नीड्स के लिए जो पैसे कमाते हैं वो बैक करके कमाते हैं तो वो जो चीज है क्या वो सर्कमस्टांसिस की वजह से हुई है कि सिचुएशन ने उनको बेगर बनाया है या फिर वो खुद की मर्जी से बेगर बने तो हमें पता है कि लुशकॉफ जो है ही वॉज एबल टू राइट राइट तभी लास्ट में पता चलता है ही कैन राइट इसका मतलब उनको जब लिखना आता है सो ही इज एजुकेटेड इनफ चलो अगर एजुकेशन ना भी होती तो नंबर टू चीज क्या है की ही हैजैट फिजिकल स्ट्रेंथ बी कु से दैट ही इज नॉट सम जिसके पास नॉर्मल चल नहीं सकते या फिर यू you नो know, कहीं पे बैठ नहीं सकते तो वो नॉर्मल जॉब्स कर सकते हैं जैसे कि अगर वो धीरे धीरे हम देखें तो शॉबलिंग द स्नो की बात कर लें देन डस्ट हटाना हो रग्स या मैट्रिस से ऐसे ही बहुत से छोटे छोटे काम है जो वो कर सकते थे सो इट वॉज हिज चॉइज दैट ही चोज टू सिट एंड बेग फॉर द मनी राधा वर्क हार्ड फॉर इट सो ही वॉज अ पर्सन जिसको हार्ड uh, वर्क में या फिर यू you नो know, एक इंक्लिनेशन जो था हार्ड वर्क करने का उस वक्त नहीं था ही वॉज नॉट रेडी टू वर्क हार्ड बिकॉज After he gets a job, then too, he is not showing any signs of being ready to work hard. सो so डेफिनेटली वो अपनी खुद की चॉइस से बेगर बने हैं इट इज नथिंग मैंशन द कंप्लीट चैप्टर की कहीं पर भी सर्कम स्टांसेज ने उनको बेगर बनाया हो ही वॉज ऑल्सो ही सेज दैट ही वॉज अ सिंगर इन द कॉयर इट मीन्स यी ऑल्सो हैड द स्किल टू सिंग वो उससे भी पैसे कमा सकते थे बट बिकॉज ऑफ इज बैड हैबिटिट्स एंड ऑल्सो बिकॉज ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन वर्किंग हार्ड ही चोज टू बिकम अ बेगर एंड इट वॉज नॉट बिकॉज ऑफ द सर्कम स्टांसेज क्लियर ऑल राइट सो लुश्व हैज बेगम अ बेगर बाय चॉइस तो क्यों वो बेगर बाय चॉइस बोला हमने से बोला वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सो ही वॉज अडल एज्ड मैन एंड यूज टू सिंग इन अ रशियन कॉयर

इंस्टेड ऑफ वर्किंग इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग अनादर जॉब उन्होंने खुद ये डिसीजन लिया कि ही वुड बैग इंड दैट्स वाई ही बेगअप बाय चॉइस एंड नॉट बाय सर्कमस्टांसिस क्लियर अगर यही आंसर आपको लॉन्ग आंसर टाइप में मिलता है तो आप लिख सकते हो डिट थिंग्स की एज लुशकॉ इज अडल एज मैन ही न्यू हाउ टू सिंग ही कुड फाइंड अदर वर्क एंड ही कुड डू इट बट हीड टू बिकम अ बेगर वॉज नॉट अ बॉर्न बेगर फिर आप लिख सकते हो लेटर वी ऑल्सो गेट टू नो दैट ही वॉज एबल टू राइट ही कुड दैट मीन्स ही वॉज एजुकेटेड

Second question asked is, what reasons does he give to Sir Guy for his telling lies? तो हमें पता है कि जब beginning होती है story की Sir Guy is an advocate जो जाते हैं और ये जो beggar है वो beg कर रहे हैं इसी person से तो लुश्कॉक जो है वो क्या बोलते हैं इनको सबसे पहले कि वो एक स्कूल टीचर थे एक विलेज में बट बिकॉज ही बिकेम विक्टिम ऑफ अ कॉन्स्पेरसी इस वजह से उनको स्कूल से वो निकाल दिए गए या फिर जॉब उनकी चली गई और एक साल से उनके पास कोई काम नहीं है सो ही डज नॉट लाइक टू बैग बट बिकॉज ही गॉट द ऑफर फ्रॉम अ स्टेट और रीजन ऑफ कालुगा सो वहां पर ट्रैवल करने के लिए ही हैड नॉट इनफ मनी तो इसीलिए वो बैग कर रहे हैं इट इज नॉट दैट ही लाइक्स इट ही फील्स शेमफुल बट सिचुएशन है पहला झूठ था दूसरा झूठ जो वो ऑलरेडी इसके पहले बोल चुके जो हमें बाद में बताया गया वो क्या था कि उनको किसी आ, स्कूल या कॉलेज से हमें लगता है कॉलेज ही बिकॉज उनकी जितनी एज है सो ही वॉज एक्सपेल्ड

लाइन तो लोशकोव जो है सरगाय को बता देते हैं कि हाँ मैं झूठ बोल रहा था ही वाज फॉर्मली अ सिंगर इन अ रशियन कोर और एंड वाज सेंट अवे बिकॉज़ ऑफ हिज ड्रंकनेस ही टोल्ड लाइज बिकॉज़ इफ ही कुड टेल हिज ट्रुथ नो वन वुड एवर हेल्प हिम और गिव हिम मनी तो वो यही बोलते हैं सबसे पहले तो बताते हैं कि दैट ही वाज फॉर्मली प्रीवियसली वाज वर्किंग इन अ रशियन कोर दैट इज अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स उसके पार्ट थे वो एंड ही वाज सेंट अवे ही वाज थ्रोन अवे फ्रॉम दैट ग्रुप बिकॉज़ ऑफ हिज ड्रिंकिंग हैबिट एंड फिर वो बोलते हैं बिकॉज इफ यू वुड टेल द ट्रूथ टू द पीपल जिनसे भी वो बैग करते हैं अगर उनको सच बता देंगे सो नो वन वुड है गिव हम मनी क्योंकि लोग पैसे ऐसे थोड़ा दे देंगे यार तुम्हें तो गंदी हैबिट है तुम बुरे इंसान हो तो तुम्हें पैसे क्यों दें सो so, इसलिए अगर वो ये सच बता देंगे नो बडी इज गोइंग टू गिव हेम मनी सो इफ ही हैर स्पोकन द ट्रूथ नन वुड हैम सो ही डिसाइडेड टू टेल लाइज एंड दिस इज हाउस टू बैग एंड नरेट डिफरेंट स्टोरीज टू द पीपल ही सो दट ही गेट्स द मनी रिक्वायर्ड क्लियर सो दिस इज हाउ वो रीजन देते हैं कि वो झूठ क्यों बोलते थे डन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जो गिवन है इस चैप्टर में वो है इज अ विलिंग क्या वो अपनी मर्जी से काम करना चाहते हैं बिल्कुल भी नहीं जिस तरीके से उनका गेट है वॉकिंग वे है जिस तरीके से वो श्रक करते हैं अपने शोल्डर जब उनको अलगा के पीछे भेजा जाता है या ये भी बोला गया है कि वो हंगरी थे और इस वजह से या फिर उनको काम चाहिए था इस वजह से उन्होंने नहीं पैसे कमाने के लिए या काम करने के लिए हाँ बोला बल्कि वो अपने खुद के वर्ड्स के ट्रैप में फंस गए थे इसीलिए उन्होंने हाँ बोला फॉर वॉकिंग वाई दैन डज ही अग्री टू चॉप वुट फॉर सर गाय तो यही सारे रीजन्स थे बिकॉज ऑफ द प्राइड बिकॉज ऑफ द शेम बिकॉज ही वॉज ट्रैप्ड इन इज ओन वर्ड और वो खुद बोलते हैं कि मेरे पास काम नहीं है नहीं तो मैं काम कर लेता और फिर सरगार उनको ऑफर करते हैं एक जॉब और फिर भी अगर वो मना कर देते तो दिस वुड है कि उनको काम करना ही नहीं है सो ये वो वेरियस रीजन्स थे जिसकी वजह से वो जो है काम करने के लिए हाँ कहते हैं बट दिस डज नॉट मीन्स दैट ही वॉज अ विलिंग वर्क क्लियर ऑल राइट so no luskov is not a willing worker so definitely he is not the one who अपनी इच्छा से काम कर रहा है his strength is undermined due to alcohol उनकी जो strength है जो physical strength है वो already weak हो गई है कम हो गई है किसकी वजह से alcohol की वजह से जो lot of vodka वो consume करते हैं he had lost his strength and stamina due to this habit of drinking तो उनकी जो ये habit है जो bad habit है of drinking इसकी वजह से उनकी जो strength है वो already जो stamina जो काम करने की ताकत होती है वो already undermined हो गई है he had no inclination towards doing any work and he had no readiness no inclination to do hard work or do any work he agreed to chop wood for sagai not because he was hungry थी ही नहीं जिसके लिए वो पैसा कमाने के लिए, हाँ लिए हाँ हंगरी थे या फिर उनको काम करना था नहीं बिकॉज उनके प्राइड की वजह से उनके शेम की वजह से क्योंकि उन्होंने झूठ बोला ऑल्सो वो अपने वर्ड में ही ट्रैप हो गए थे कैसे वो मॉलिंग डिस्कस कर चुके हैं तो इन सब तीनों रीजन की वजह से उन्होंने फाइनली सरगार

उस so? right so? तो, तो पैकिंग तो तो ये, ये तो और ट्रांसपोर्टेशन के लिए उनको किसी की हेल्प चाहिए थी और ये किसको बुलाते हैं क्योंकि इस बहाने वो काम करना लगते हैं उनको पैसे मिलते हैं तो जो है, वो कुछ काम करते नहीं है उन्हें किसी भी को, जो को ऐसा नहीं था कि मूव किया हो या कुछ किया हो वो बिल्कुल नॉर्मल पेशेंटली सोबर पर्सन यानी ऐसा नहीं था कि ड्रिंकिंग हैबिट वगैरह हो उनमें या क्या नॉर्मली बिना कुछ बोले वो चुपचाप अपना हेड डाउन करके खड़े हो रहे थे और ये व्हीकल्स के पीछे भाग जा रहे थे बस वैगन के पीछे जा रहे थे जिससे ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था उन्होंने खुद ऐसा कोई काम नहीं किया था ऑल्सो उनको एम्बेरसिंग फील हो रहा था जब उनका मजाक उड़ रहा था बस यही सब चीजें जो देखने को मिलती है बट ऐसा कुछ नहीं था कि उन्होंने काम किया हो बट क्योंकि सरगा को लगता है कि ही इज वर्किंग हार्ड और उसने वुड भी चॉप किया है जितने भी काम दिए वो बहुत अच्छे से करता है तो वो जब शिफ्ट हो जाते हैं सेटल हो जाते हैं नए घर में तो वो उसको बुलाते हैं किसको रुशकॉफ को और फिर उसको एक रूबल देते हैं और ये शब्द ये वर्ड्स अटर करते हैं दैट आई एम हैप्पी दैट वर्ड्स हैव टेकन इफेक्ट कि मैंने तुम्हें जो ये सब कुछ बोला आई स्कोल्डेड यू द रोस्टिंग आई गेव यू दैट डे ऑल बिकॉज ऑफ दैट दिस सिचुएशन इज

बट जो वो पर्सन की तरह ऐसे चेंज हुए हैं हार्ड वर्क कर रहे हैं नोटरी बन गए हैं पैसे कमाने लगे लेटर ये सब चीजें ओलगा की वजह से हुई थी वुड चॉप ये नहीं करते थे औलगा करती थी फिर भी इनको पैसे दिलवाती थी तो उनके काइंड एफर्ट्स की वजह से उनकी स्कोल्डिंग की वजह से उनके हार्श वर्ड्स की वजह से चेंजेस देखने को मिले थे किसमें में Lushkov में सो डेफिनेटली ही इज नॉट राइट इन सेग सो बिकॉज ही नेवर न्यू दैट इट वॉज नॉट बिकॉज ऑफ हिम बट बिकॉज ऑफ ऑलगा दैट लुश्क एज अ पर्सन चेंज और ट्रांसफॉर्मड क्लियर तो यह है इसका आंसर बट अगर आपको ये क्वेश्चन ट्विस्ट करके ऐसे पूछ ले कि वॉज इट हिज फॉल्ट दैट ही सेट दीज वर्ड सोफिनेटली पता ही नहीं था कि ऑलगा रीजन है तो वो फिर अपनी जगह पर जो वो सोच रहे थे उनकी गलती नहीं थी क्लियर तो दिस इज हाउ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन right. इसका आंसर देखते हैं सो सर सीज आई एम हैली तो पहले ये दिख जाता है ना उनको लुशकॉफ में जब ये बैगर था कि इसको कोई काम वाम करना नहीं है इसको चुपचाप बैठ के यहाँ पे बैक करना है उस पैसों से फिर गो एंड कंज्यूम हैल्कोहॉल तो ये सब चीजें ऑलरेडी दिख चुकी थी किसमें लुश्कॉफ में, में? किसको सरगाय को तो वो ये शब्द क्यों बोलते हैं बिकॉज ही कुड सी दैट चेंज दैट पर्सन हु नॉट इनिशियली वर्किंग हार्ड नाउ इज वर्किंग वेरी नाइसली तो इसीलिए उनको वो चेंज देखने को मिला सो ही थॉट ऑल बिकॉज ऑफ हिम बिकॉज ऑफ हिज वर्ड्स दैट चेंज हैज प्लेस After he helped Sergei in the packing and hauling of the furniture, Sergei praised him and gave him a ruble. तो so, वो कब बोलते हैं सब चीजें जैसे ही Sergei को ये help करते हैं you know hauling में transporting में packing में जो भी सामान है furniture वगैरह उसके बाद Sergei जो है इनको अपने घर बुलाते हैं and उसको praise करते हैं compliment करते हैं

Olga, she was the one who chopped wood and not Lushkov. तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि Lushkov बहुत hardworking बन गए थे या क्यों तब तक क्योंकि Lushkov जो है उन्होंने ये habit develop की ही नहीं थी वो तो chop करते नहीं थे wood को बल्कि उनकी जो cook थी Olga, she was the one who used to chop the wood and give money to लुशकॉफ क्लियर तो वो जब हार्डवर्क कर ही नहीं रहे थे वुड चॉप कर ही नहीं रहे थे उस वक्त वो तो कौन कर रही थी ओलगा बट ओल्गा की वजह से उनमें चेंज आया था उनके वर्ड्स की वजह से उनमें चेंज आया था कि लेटर वो एक नोटरी बन जाते हैं और वो अपने आप को चेंज करते हैं क्लियर तो इस वक्त जब वो ये चीजें बोल रहे हैं जब हॉलिंग और ट्रांसपोर्टिंग ऑफ द फर्नीचर पैकिंग ऑफ द फर्नीचर के टाइम की बात है ये तो उस वक्त भी जितना भी काम था वो ऑलगा ने किया था चॉप करने का काम था मेजरली और ये जो है हार्डवर्क नहीं कर रहे थे सो so, ये जो वर्ड्स बोलते हैं कौन सरगाज नॉट नोइंग द फैक्ट हीट इट वॉज ऑलगाइट नेक्स्ट क्वेश्चन इज लुश्कॉफ इज अर्निंग थर्टी फाइव रूपल ऑब्लाइज टू सरगा केयरफुल रीड दी क्वेश्चन कि कब सरगाय का पूछा है कब ओलगा का पूछा है तो क्या बोला है कि थर्टी फाइव रूपीज अर्न कर रहे हैं नोटरी बन गए हैं इस चीज के लिए वो कितने ओबलाइज थैंकफुल हैं किसको सरगाय को आभारी है क्लियर तो यहाँ पर हमें भी पता है कि सरगाय के लिए वो डेफिनेटली बहुत इनको ओब्लाइज होना चाहिए बिकॉज अगर सरगाय उनको बोलते ही नहीं कि मेरे घर चल के वुड चॉप करने का काम करो अगर उनको देते ही नहीं अपॉर्चुनिटी तो आगे की बातें होती नहीं वो ओलगा से मिलते ही नहीं इतना चेंज देखने को मिलता ही नहीं क्लियर नंबर टू क्योंकि उन्होंने ही अपना एक लेटर देते हुए लुशकॉफ को भेजा था अपने फ्रेंड के पास जो कि इनको एक काम देने वाले थे राइटिंग वगैरह का क्लियर उसके बाद ही धीरे धीरे नोटरी बने होंगे तो वो जो इनिशिएशंस था वो जो अपॉर्चुनिटीज थी वो किसने दी थी सरगाय ने दी थी, थी लुशकॉफ को सो डेफिनेटली फॉर दोज इनिशियेशन्स फॉर दोज अपॉर्चुनिटीज ही इज ऑबलाइज टू सरगा क्लियर ऑल राइट

तो फिर वो आज भी कोई बेगर होते कहीं पे बैग कर रहे होते और वही पुराने झूठ बोल रहे होते लोगों से कि ये वो स्कूल टीचर थे या फिर वो स्टूडेंट थे उनको एक्सपेल कर दिया गया और इस तरीके से वो ये जॉब नहीं कर रहे होते अगर सरगार उनसे नहीं बोलते टू वर्क फॉर हिम क्लियर डेफिनेटली ही ऑल्सो अग्री टू दिस पॉइंट दैट ही वॉज ऑबलाइज और ग्रेटफुल टू सरगाट फॉर दिस फॉर द अपॉर्चुनिटी फॉर द इनिशिएशन फॉर द हेल्पिंग हेट दैट ही लेंट Is oh, clear? तो वो बेगर नहीं थे बल्कि वो एक नोटरी थे इतना अच्छा अमाउंट कमा रहे थे कहा उनके पास फाइव कूपेक्स भी नहीं थे कहा इनके पास थर्टी फाइव रूबल्स हर महीने ऐसा सैलरी आ रही है सो so डेफिनेटली ये जो एक चेंज देखने को मिला जो कंडीशन बेटर हुई है इंप्रूव हुई है किसकी लुश्कॉफ की नाउ ही नो मोर अ बेगर ही दैट इज ऑल बिकॉज़ ऑफ़ द ऑफर दैट गिव हिम व्हाइल ही वाज़ बेगिंग और वो ऑफर क्या था वुड फॉर हिम क्लियर ऑल राइट नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉजिटिव चेंज इन हाउ हैज ऑलगा सेव्ड दुश्क

बट जब ये सब चीजें हो रही होती हैं तो उनको डेफिनेटली बोलते हैं कि आपकी वजह से मैं बेगर नहीं हूं आज मेरी कंडीशन में इंप्रूव improve आया आया इंप्रूवमेंट है बिकॉज ऑफ दैट दैट ऑफर यू मेड डे बट एज अ पर्सन जो मुझ में ट्रांसफॉर्मेशन आया है जो एक पॉजिटिव चेंज देखने को मिल रहा है वो आपकी वजह से नहीं वो ओल्गा की वजह से है क्योंकि जब भी भी मैं वुड चॉप करने आता था तो ओल्गा मेरे लिए वुड चॉप करती थी ना कि मैं और पैसे भी मुझे दिलाती थी तो एक काइंड जो एक बिहेवियर था ओल्गा का दैट मेड चेंज इन लुशकॉफ नंबर टू वो वहाँ बैठ के उसको चिल्लाती थी उसको गलत गलत वर्ड्स बोलती थी हार्श लैंग्वेजेस का यूज करती थी यू आर अ ड्रंकर्ड यू हैव नो प्लेस इन हेल नो इज देयर फॉर यू नो बड़ी इज गोइंग टू टॉक टू यू नथिंग गुड विल हैपन टू यू बिकॉज ऑफ योर हैबिट्स और फिर वो रोने लगती थी उनकी पूरा कंडीशन पे शी यूज्ड टू फील पिटी फॉर दिस पर्सन तो ये सब चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं लुशकॉफ बस टच्ड एंड ही फेड दैट थिंग दैट ही हैजेंज एज अर्सन बिकॉज वो जो ओलगा थी जिस तरीके से वो ट्रीट कर रही थी लुश्कॉफ को जिस तरीके से वो उनको समझा रही थी इंडायरेक्टली क्रिएट अ चेंज इन यू शुड ट्रांसफॉर्म एजन इसकी वजह से ही एक पॉजिटिव चेंज जो है देखने को मिला है किसकी लाइफ में लुश्कॉफ की लाइफ में क्लियर ऑल राइट सो सरगार टू गुश्कॉफ टू इज होम एंड गेव हिम द टास्क ऑफ चॉपिंग वुड तो उन्होंने इनिशियट किया उन्हें काम दिया He asked Olga, his cook, to take Lushkov to the woodshed and to let him chop.

तो ओल्गा वॉज एबल टू सी कि ये पर्सन नहीं कर पाएगा इसकी जो पूरा कंडीशन है बिकॉज ऑफ ड्रिंकिंग हैबिट वो बिल्कुल भी ये वुड चॉप नहीं कर सकता तो उनको सपोर्ट करने के लिए वो जो है उनको बुरा लगता था ओल्गा को तो वो वुड चॉप कर देती थी किसके लिए लुशकॉफ़ के लिए

एंड यू नो हाउ टू राइट दी आंसर लाइक फॉर पर्टिकुलरली दिस चैप्टर यू नो की किस तरीके से आपको पता है कि ऑलगन कैसे रिस्पॉसिबल थी फॉर चेंज इन द कंडीशन फॉर चेंज इन दंडीशन एज अ पर्सन ठीक है एंड फॉर चेंजिंग दिस पर्सन फ्रॉम द बेगर टू वर्किंग हार्ड और टू पर्सन हु इज वर्किंग समवेयर वो सब चीजें जो है वो सरगाई की वजह से हुई है क्लियर किस तरीके से ये झूठ बोलते हैं क्यों झूठ बोलते हैं क्या कंडीशन थी इनकी पहले कैसे ट्रांसफॉर्म हुए हैं जो कॉन्ट्रास्ट है बिटवीन द प्रीवियस सिचुएशन एंड द प्रेजेंट सिफ हर एक चीज जो है